नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्म महर्षि वेदराज त्रम गुप्ते पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्या संभाषा इस उपक्रम के 304वें पुष्प में वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल उपस्थित सभी वैद्यों का सहर्ष स्वागत करते हैं। आज के साठे महोदय विशेष स्वागत और आपको सादर प्रणाम। पुष्प का आरंभ हम धन्वंतरि स्तवन से करेंगे। 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 धातारमीशं विविधौषधीना शंखं चक्रं जलं वा दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मत्वच्छातिभृद्याशुकपरिविरतम् आज के पुष्प के प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज निनाद साठे महोदय जी का परिचय करने हेतु मैं परम आयुर्वेद के संस्थापक वैद्य महेश भुजबल जी को निमंत्रित करती हूँ। नमो नमः। आज के हमारे परम गुरुवर्य वैद्य निनाद साठे सर जी, आपने एमडी आयुर्वेद शास्त्र भेषज कल्पना और तथा पीएचडी इसी विषय में प्राप्त किया है। न एकम शास्त्रम अधियानु इस उक्ति के आप सार्थ मूर्त उदाहरण हैं। आपने कृष्णमूर्ति ज्योतिष विशारद, वास्तु सूत्रधार, मंत्र शास्त्र विशारद तथा वास्तु श्रीभूषण ये अलग पदवियां प्राप्त की हैं।
आप ASCI इस विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। आप अभी प्रोफेसर एंड वाइस प्रिंसिपल YMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई में कार्यरत है, शास्त्र भेषज कल्पना डिपार्टमेंट। आपने लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, हॉस्पिटल इंचार्ज और वाइस प्रिंसिपल इस बतौर YMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में कार्य किया है। इसके साथ आप 2008 से अब तक PhD गाइड तथा PG गाइड भी रह चुके हैं। आप मेंबर ऑफ सिनॉप्सिस अप्रूवल कमेटी MUHS नाशिक तथा ऑनरेबल मेंबर ऑफ MPharm आयुर्वेदिक सिलेबस डिजाइनिंग कमेटी रह चुके हैं। आपने मॉडरेटर, एग्जामिनर, पेपर सेटर इस अलग अलग MUHS में काम किया है। NSS प्रोग्राम ऑफिसर ट्रेन्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें आपने 2004 से 2006 तक कार्य किया है। आप ऑनरेबल कंसल्टेंट एट नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल वाशी 1999 टू 2004 तक आपने यहाँ पे सेवा दी है। आप आरोग्य भारती नवी मुंबई के 2016 से 2019 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर ने बहुत सारे विषयों पे पब्लिकेशंस बुक पब्लिकेशन की है, उसमें से श्लोकावली ऑन रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना ये 2005 में, टेक्स्ट बुक ऑफ रसशास्त्र 2008, बुक ऑफ चार्ट्स ऑफ रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना 2010, रिवाइज टेक्स्ट बुक ऑफ रसशास्त्र पब्लिश्ड इन 2011, वाग्भट निदान स्थान पब्लिश्ड इन 2020। सर ने अलग अलग कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं, उसमें से कुछ विषय होलिस्टिक अप्रोच इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, अग्निकर्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ महारस, एनालिटिकल स्टडी ऑफ समीर पन्नग रस, फार्मास्यूटिको एनालिटिकल स्टडी ऑफ कपर्दिक भस्म, और इससे भी और भी ज्यादा अलग अलग सेमिनार्स में सर ने पेपर पब्लिकेशन किया है। 20 से ज्यादा नेशनल सेमिनार्स में सर ने रिसर्च पब्लिकेशन किया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल 27 से ज्यादा भी कॉन्फ्रेंस में सर ने अपने पब्लिकेशंस किए हैं। अब तक सर ने 37 अलग अलग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में एज अ गेस्ट लेक्चरर, चेयरमैन ऐसे अलग अलग पद विभूषित किए हैं। आज तक सर के टोटल 22 MD स्टूडेंट्स और 3 PhD स्कॉलर सर के गाइडेंस में ये किए पदवी प्राप्त की है। इसके अलावा सर ने आयुर्वेद के प्रचार प्रसारार्थ अलग अलग TV चैनल्स पे जैसे कि दूरदर्शन सह्याद्री, जी मराठी, सहारा समय, दृष्टि चैनल, 7 स्टार, G24, G24 तास ऐसे अलग अलग चैनल्स पे सर ने आयुर्वेद का मार्गदर्शन किया है अलग अलग वैल्यू पर। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैं सर से विनती करता हूँ कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रसशास्त्र इस विषय पर सर में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ऑब्लिगेशंस अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी, माय सद्गुरु डॉक्टर गिरीश लाड सर, माय आयुर्वेदिक गुरु वैद्य माधव साने सर, उसके बाद गाड़गिल सर, कोल्लटकर सर, ये गुरुवर्य है, और बाकी सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। टुडे इज माय टॉपिक इज क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रस औषधि। भुजबल सर ने मुझे टॉपिक दिया है और आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द पीपीटी प्रेजेंटेशन विथ लेक्चर। वीडियो था ऑफ कर, नाउ विल स्टार्ट आवर टॉपिक। Today's topic is clinical importance of rasaushadhis.
Testament. Hang with that. अभी भुजबल सर ने हमें बताया कि परम आयुर्वेद चिकित्सालय की तरफ से वो सिद्धांतों के ऊपर और ग्रंथों के ऊपर बहुत सारी विवेचन, बहुत सारी पढ़ाई स्टूडेंट के साथ होती है, उनका उसका विवेचन किया जाता है. एज कंपेयर टू अदर सिटीज, पुणे में, पुणे से डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ये काम आयुर्वेद के प्रति जो उसमें और ऐड कर सकता है, कोई कंट्रीब्यूशन है, वो पुणे सिटी का बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें ग्रंथों की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए उसके बारे में वो सब गुरुवर्य बहुत सारी चीजें बताते हैं उसमें. अभी आज मुझे आपके साथ हम लोग ये ज्यादा क्या बात करें कि कौन से ग्रंथ में क्या बताए, क्योंकि आपके यहाँ पे ग्रंथ विवेचन बहुत होता है, लेकिन फिर भी आज के टॉपिक रिलेटेड जो चीज है वो दो चीजों के बारे में बात करूंगा मैं. फर्स्ट इज हमारे जो रस्य शास्त्र के भैषज कल्पना के जो आधारभूत सिद्धांत है उसमें से जो आज के लेक्चर के लिए जितने हमें पूरक है वो हम दो सिद्धांत यहाँ पे पढ़ रहे हैं. फर्स्ट इज मेडिसिन किस तरीके का होना चाहिए, औषधि किस तरीके की होनी चाहिए. तो अल्प मात्रम, एक श्लोक चरक सिद्धि स्थान में दिया है 6वें अध्याय में, वो है अल्प मात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम लघुपाकम सुखास्वादम प्रणनम व्याधिनाशन. औषधि मात्रा कभी भी जितने कम से कम रहेगी उतना पेशेंट के लिए, रुग्ण के लिए बहुत अच्छा रहता है. बाबा एक टैबलेट, एक गोली सुबह, एक बटी सुबह, एक बटी शाम को, चूर्ण में भी बहुत सारी कम मात्रा रहेगी. उसके बाद वो मेडिसिन किस तरीके का होना चाहिए, तो महावेगम, आज मेडिसिन लिया और 4 दिन के बाद उसको पैसे मिला, उस चीज को कोई मतलब नहीं. उसको रिलीफ, एटलीस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ तो इमीडिएटली मिलना चाहिए. जैसे कि ज्वर के पेशेंट में हम लोग देखते हैं. उसके बाद है बहुदोष हरम सुखम, एक साथ और बाकी के भी जितने भी उसको तकलीफें है, जितने भी उसको लक्षण है, वो भी उसमें से उनका निर्हरण जितना होगा उतना उनके लिए अच्छा है. उसके बाद लघु पाकम, दवा का भी जो पाचन है वो ठीक से होना चाहिए. सुखास्वादम, उसकी टेस्ट इस तरीके से होनी चाहिए कि पेशेंट को, रुग्ण को आगे का मेडिसिन लेने के लिए इच्छा हो जाए. और सबसे बड़ी बात रहती है, जैसे हम छोटे बच्चों में पाते हैं कि वो मुंह इतना ऐसा कर दे कि प्रिणनम, वो दवा ऐसे फॉर्म में आना चाहिए कि वो खाने की इच्छा हो जाए. इसके लिए आप देखेंगे कि च्यवनप्राश जैसा दवा है, इस तरीके से देखिए बच्चे लोग उसको खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, उसकी टेस्ट अच्छी रहती है, उससे उसकी वजह से भी खाने की. लेकिन जो मेडिसिन तिक्त रसात्मक है, कटु रसात्मक है, वो खाने की इच्छा उतनी होती नहीं है. और सबसे बड़ी बात यह है कि व्याधि नाशनम, मेडिसिन इस तरीके का होना चाहिए कि उसके जिस जो कंप्लेंट लेके, जो लक्षण लेके रुग्ण वैद्य के पास आए हैं, उस व्याधि का नाश होना, उससे उपशम मिलना, ये सबसे बड़ी बात होती है. तो अगर ये हमें करना है तो हमें क्या करना होगा कि रसौषधियों का उपयोग करना चाहिए. आज तक हम लोग ये पढ़ते हैं कि औषधि का ज्यादा उपयोग न करें, जितना भी हम लोगों को उपयोग करना है वो हमें काष्ठौषधि का करें. लेकिन काष्ठौषधियों की जो मात्रा बढ़ती है, वो मात्रा लेने के चक्कर में, वो बढ़ी हुई मात्रा लेने के चक्कर में पेशेंट ज्यादा उसमें, रुग्ण उसमें ज्यादा तैयार होता नहीं, एग्री होता नहीं. तो अगर इस तरीके का हमें चिकित्सा करनी है तो हम लोगों को रसौषधि जरूर यूज करनी पड़ती है. जैसे कि भारतवर्ष में तो ये सब दवा यूज करने के लिए परमिशन है, लेकिन अगर हम भारत की बाउंड्री पार करते हैं तो उसके बाद में लेकिन उस दवा का रसौषधि को थोड़ी वहां पे बहुत सारी जगह पे वहां पे पाबंदी लगाई गई. दूसरा सिद्धांत तो जो हम लोगों ने चरक कल्पस्थान में पढ़ा है, वो इसकी जो मुभा है या उसको क्या बोलेंगे, उसकी जो परमिशन है, वैद्य लोगों को अपने चरक संहिता में चरकाचार्य जी ने इसके साथ हमको दी है कि स्वबुद्धेव सहस्त्राणी कोटिर्वापी प्रकल्पये. हम हमारी बुद्धि से रसौषधि और काष्ठौषधि का योग बना के अपने खुद के बहुत सारे योग हम लोग बना सकते हैं. बहुद्रव्य विकल्पात योग संख्या नवे, कितने कल्प हम हमारे खुद की बुद्धि से और जो इफेक्टिव है उस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं. अभी मैंने पढ़ा है गुरु शिष्य परंपरा में, वैद्य माधव साने जो हमारे महाविद्यालय के पहले अधिष्ठाता थे,
वो हम लोगों को फर्स्ट ईयर में शरीर क्रिया, द्वितीय वर्ष में बीएमएस के आयुर्वेदाचार्य में निदान और तृतीय वर्ष में चिकित्सा, ये तीनों विषय उन्होंने 1991 में पढ़ाए थे। 91 से लेकर 96 तक वो पढ़ाते थे। तो उसमें उनका जो ग्रंथों का जो उनकी स्टडी थी, जो अभ्यास था, जो पठन था, वो बहुत भावित किया और एक मन में ठान लिया कि अगर सचमुच आयुर्वेदिक दवा में, उस समय तो इसका कोई ज्ञान था नहीं या कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं। मेरे फैमिली जितने भी हो गए स्किन स्पेशलिस्ट और ऐसे लोग है, डेंटिस्ट है, लेकिन आयुर्वेद फैकल्टी से कोई था नहीं। तो इस ग्रंथों का अभ्यास करना, ना हमें कोई गाड़गे सर मिले थे, ना हमारे हमारे ऊपर किसी कोलटकर सर की कृपा थी, लेकिन वैद्य साने सर ने जो हम लोगों को पढ़ाया उसमें बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंसेस उनके खुद के मुखोद्गत होते थे और वो बहुत हमें भावित करते थे कि बाबा ये सर के इतने बायहार्ट है और बिना श्लोक पाठांतर या बिना ग्रंथों की स्टडी के बिना हम लोगों को ओपीडी में हमें नहीं लिया जाता। तो हम लोगों को उस समय तो जबरन करना, क्योंकि ये चिंता होती थी कि अगर कार्श काश्नोष्ण कामित कंपाना शकुनग्रहण बलन इंद्र भ्रंश प्रलाप और ये बाहर करके करना क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ईयर के यूजी के स्टूडेंट को तो ये समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे ओपीडी हम लोग अटेंड करते गए, बायहार्ट करते गए, श्लोक पाठ करते गए, मुखोद्गत करते गए, वैसे वैसे उसका महत्व इंपॉर्टेंस हम लोगों को उसकी जानकारी होने शुरू हो गई। नेक्स्ट पेपर अगोदर एक मला वाटतं पीठिकी हीच आहे, त्याच्या अगोदरची पीठिकी। येस, अभी इस चीजों में जैसे भुजबळ सर ने मुझे बताया था कि सर आपको रसौषधियों के बारे में बताए, तो उनको मैंने ये बताया था कि रसौषधि यूज करने के पहले उस रसौषधि में जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट रहता है, जो घटक द्रव्य रहता है, उन रसौषधियों के बारे में पहले जानकारी देना जरूरी है। आप लोगों को तो मालूम ही है, थोड़ा हम लोग रिविजन कर रहे हैं, ऐसा समझो लेक्चर के बदले हम एक रिविजन ले रहे हैं। इसमें हम लोग कौन से योगवाही द्रव्यों का दवा में उपयोग करते हैं, मेडिसिन में उपयोग करते हैं, औषधि में उपयोग करते हैं। तो जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसमें पारद और गंधक, पारद और गंधक से बनने वाली जो औषधियां है उनका हम लोग उपयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने अगली यूजी के सेकेंड ईयर से हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, वो है कज्जली। कज्जली के में बारे में हमने पढ़ा था, उसमें अर्ध सम्मान द्विगुणा बिता दिया। अभी उस श्लोक के बारे में हमको ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की निर्गुण निश्चंद्र इस प्रकार की कज्जली हम लोग तैयार करते हैं। निश्चंद्र तो उसका होना चाहिए ताकि वो कज्जली बंध ठीक से बना रहे, उस कज्जली को हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। दूसरा कल्प जो है बंध, जो एक एक पक्का बंध जो बनते जाता है उसमें से एक बंध रहता है रस सिंदूर, उसमें भी पारा और गंधक की ही कज्जली का उपयोग किया है। तीसरा कल्प है वो शुद्ध हिंगुल, हिंगुल को हम आर्द्रक स्वरस में शुद्धि करते हैं उसकी, वो हिंगुल में भी पारद और गंधक ही है। मल्ल सिंदूर, उसमें सोमल के साथ में पारद गंधक का यूज है, तो कुपी पको रसायन है। पांचवा जो कल्प है उसमें सिर्फ सोमल हरताल है, वो है रस माणिक्य। ऐसे पांचे, छठवा है वो है सुवर्ण वंग, सुवर्ण राजवंगेश्वर, उसमें सोना तो है नहीं लेकिन सुवर्ण जैसा दिखता है, इसके लिए हम लोग उसको भी हम लोग दवा में यूज करते हैं। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इसमें है वो कज्जली है, रस सिंदूर है, हिंगुल है और मल्ल सिंदूर है। अभी इन चार द्रव्यों का हम लोग उपयोग हमारे दवा में रसौषधियों के माध्यम से किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में जो हम लोगों को हमारे गुरुजन लोगों ने जो हमें पढ़ाया, जो बताया, उसके बारे में आपको उसका विवेचन देता हूँ। नेक्स्ट पीपीटी। अभी इसमें कज्जली है, अभी कज्जली में समगुण जो कज्जली है उसमें कोई भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक प्रश्न हमेशा उठाया जाता है आयुर्वेदिक दवा के ऊपर कि आइदर दी ड्रग्स आर रियली स्टैंडर्डाइज और नॉट, ऑथेंटिक है कि नहीं। तो पारद की जो शुद्धि है वो खुद को हमको करनी चाहिए रसोन कल्क में, या तो फिर बाकी का इधर बाकी के भी जो श्लोक बताए उसके साथ हम लोग प्रैक्टिकल में जो करते हैं, लेकिन रसोन कल्क के साथ भी उस पारद का शोधन किया जाता है और वो शुद्धित पारद और शुद्ध गंधक इन दोनों को एक साथ, अभी उनका शुद्धि कैसा करे उसके बारे में हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने यूजी में इसको सब पढ़ा है। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की समगुण कज्जली अच्छी तरह से उसको उसका खलव यंत्र में मर्दन करके उसकी समगुण कज्जली बनाई जाती है,
उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी, क्योंकि मैं रसशास्त्र का टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, इसके लिए उसका एसएम इडेक्स करके जो उसका एनालिसिस है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसमें 1000 मैग्निफिकेशन के अंडर वो कज्जे लेके पारदर्शी गंधक का जो बंध दिखता है उसको इस फोटोग्राफ में आपको पिक में दिखाया है, और उसके बाजू में 5000 मैग्निफिकेशन के अंडर उस पारदर्शी गंधक के जो अणु रेणु है उनका अच्छी तरह से बंधन किस तरीके से होता है उसके बारे में उस कज्जेली को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रसायन शास्त्र बताना चाहता हूँ कि पारद के जो 200 मॉलिक्यूल है वो गंधक के 32 मॉलिक्यूल के साथ में ही अटैच होते हैं। बाकी जो समगुण भी बोला तो भी एक से जो 68 पार्टिकल्स है वो एक्सेस होके उसको उड़ाना, उसको इवापोरेट करना जरूरी होता है। लेकिन कज्जेली के माध्यम से शुद्ध पारो शुद्ध गंधक, भले वजन के हिसाब से वेट के हिसाब से हमने समगुण लिए, फिर भी 200 पारद के कण सिर्फ 32 गंधक के पार्टिकल के साथ में ही अटैच हो जाते हैं। बाकी का जो सल्फर रहता है, जो गंधक रहता है, वो एक्सेस रहता है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से तैयार की हुई ऐसे मिडेक्स से ठीक से जची हुई जो कज्जेल है उसको हमें यहाँ पे दवा में यूज करना चाहिए। सेकेंड इज है रस सिंदूर, इट इज अ कुपीपक्व रसायन। कुपीपक्व रसायन गलस्त कुपीपक्व रसायन है, इसमें भी शुद्ध पारद शुद्ध गंधक और नवसागर, नवसागर भी इसमें, क्योंकि पार्टिकल जो है वो जो पारद के जो रवे बनते हैं रस सिंदूर के, वो एट द नेक ऑफ द बॉटल वहां पे जमा होना उसका बहुत जरूरी होता है। और 24 आवर्स की वो भट्टी लगती है जिसमें गले के यहाँ पे गलस्त रस सिंदूर तैयार होता है। उस गलस्त रस सिंदूर को अगर हम खलवई यंत्र में अच्छी तरह से उसका मर्दन करें तो रेड कलर का, यहाँ पे जो पीपीटी में जो रस सिंदूर जो वर्ड लिखा है उस कलर की, उस कलर का जो उसका चूर्ण है वो अच्छी तरह से तैयार होता है। उसका बहुत अच्छी तरह से उसका मर्दन करें खलवई यंत्र में, और उसको हम लोग योगवायु द्रव्य करके उसको दवा में यूज करते हैं। इसका भी 1000 मैग्निफिकेशन अंडर और 5000 मैग्निफिकेशन के अंडर भी कितना वो दिखता है उसके बारे में यहाँ पे विवेचन किया है, फोटोग्राफिक यहाँ पे फोटो प्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन इन सब रसौषधियों को स्टैंडर्डाइज करके ही, उनका मानकीकरण करके ही दवा में यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल लेवल पे हम आयुर्वेद के बारे में जो बताते हैं, कल्पों के बारे में जो बातचीत करते हैं, जो हम लेक्चर में बताते हैं, उसको स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण उसका होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, अभी इस योगवायु द्रव्यों को हम लोग दवा में किस तरीके से यूज करें, तो जो मैं करता हूं वो आपको मैं बता रहा हूं। उसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग उसका मत होगा, लेकिन अभी समझो ये कज्जेली है, किसी प्लास्टिक की या बाकी किसी कंटेनर में न रखते, ग्लास के बॉटल में उस समगुण कज्जेली को अच्छी तरह से मर्दन करके कॉर्किंग करके रख देते हैं। अभी कज्जेली दवा में कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो जिसमें उदर विशिष्ट जितने भी व्याधि है, जैसे कि आमाशय समुद्भव व्याधि है, आंत्र समुद्भव है, अग्नि, उसके बाद बृहदान्त्र लघ्वांत्र से संबंधित है, ऐसी सब व्याधियों में कज्जेली योगवायु द्रव्य करके कैटलिस्ट करके हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो उससे उसकी वजह से होता क्या है कि अल्पमात्रम दवा की मात्रा उससे 1/8 कम होती जाती है। जो चूर्ण अगर हम लोग देते हैं, चूर्ण की मात्रा 1 कर्ष इतनी बताई गई है, 1 कर्ष कोई भी चूर्ण को, लेकिन अगर हम उसके साथ में उस रिलेटेड उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड अगर हम योगवायु द्रव्य यूज करते हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अभी ग्रंथों में इसके बारे में बहुत सारा विश्लेषण विवेचन दिया है, आप पढ़ सकते हैं। मैं जिस तरीके से यूज करता हूँ उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये अच्छी तरह से शुद्ध पारक शुद्ध गंधक से तैयार की हुई, मर्दन संस्कार से की हुई, उदर विशिष्ट व्याधि में यूज करने वाला योगवायु द्रव्य कज्जेली, इसको हम ग्लास के बॉटल में भर के रखें। उसके बाद दूसरा द्रव्य है हिंगुल, उसको आर्द्रक स्वरस में अच्छी तरह से मर्दन करके, जो ग्रंथों में जितना दिन उसको करने के बोले 7 भावना देके 7 दिन, ये ठीक से उसका मर्दन करके वो शुद्ध हिंगुल को, क्योंकि वो भी कंटेंट वही करता है शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक HGS, उसका भी रासायनिक सूत्र HGS ही है। ये प्राणोसूरतस और रसोसूरतस के व्याधियों में यूज में आने वाला, जो उपयोग करना चाहिए ऐसे इस प्रकार का योगवायु द्रव्य है, आप ये सब जानते ही है। उसके बाद चौथा द्रव्य है वो है रस सिंदूर। ये तो भट्टी की सहायता से 24 आवर्स के मिनिमम अग्नि संस्कार से, अभी तो फार्मेसी कंपनी जो है आयुर्वेदिक की वो तो 4 या 5 घंटे में भी रस सिंदूर बनाती है बहिर्धूम पद्धति से। उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि उस पारद में से उस गंधक को इवापोरेट किया जाए,
और उसकी वजह से पारद में जितने पार्टिकल्स पारद के साथ हमेशा के लिए जो अटैच हो जाए उतने अटैच होके, मतलब मैंने आपको आपका इक्वेशन बता दिया, 200 एटम्स को 32 एटम्स ऑफ पारद के 200 एटम्स को 32 गंधक के जो पार्टिकल्स है जो अणु है वो उसको अटैच हो जाते हैं, बाकी का जो एक्सेस है वो अग्नि संस्कार में बहिर्दम पद्धति से इवापोरेट किया जाता है, उड़ाया जाता है। ऐसे तैयार किए रस सिंदूर को हम लोग ओज विशिष्ट व्याधियों में उसका उपयोग करते हैं। अभी ओज विशिष्ट व्याधियों में मतलब कहाँ पे, तो वो जो व्याधि है वो जो हृदय से संबंधित जितने भी व्याधि है उसमें जैसे बुरोत्वा चिंतामणि रस हुआ जिसका कंटेंट रस सिंदूर है, ऐसी व्याधियों में ये योगवाय द्रव्य करके हम लोग उपयोग में ला सकते। उसके बाद चौथा द्रव्य है मल्ल सिंदूर, ये भी 24 hours, 36 hours की भी इसकी भट्टी लगती है, इसमें सोमल कंटेंट है, मेन कंटेंट है सोमल, पारद गंधक तो साथ में रहता ही है। ये जो योगवाय द्रव्य है वो अवरोध जन्य व्याधियों में, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी जो व्याधियों में होती है दिखती है होती है बेसिक में संप्राप्ति में, ऐसी व्याधियों में क्योंकि आपको श्रुतस की दृष्टि के कारण लक्षण मालूम है, अति प्रवृत्ति संगोवा शरणम ग्रंथोपिवा विमार्ग गमनम चापि श्रुतसाम दुष्ट, उसमें संग जो यहाँ पे दिखता है उस संग में जहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे अवरोधजन्य संप्राप्ति जहाँ पे है ऐसी व्याधियों में मल्ल सिंदूर करके योगवाय द्रव्य यूज करते हैं। और अभी इन चार ही जो कुपी है उसके बाजू में एक फोटोग्राफ में मैंने पीपीटी में देखा है सुवर्ण वर्ख, हर एक अगर उसमें से योगवाय द्रव्य कैटलिस्ट जो है वो अगर पारद कंटेंट करता है तो पारद तो हमेशा धातुओं के लिए बुभुक्षित रहता है और सुवर्ण इस धातु के आपको गुण मालूम ही है, सुवर्ण का उल्लेख अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में वहां पे जो मधुर स्कंद जहाँ पे बोला है उसमें घृत हेम गुड़ाक्षोड़ मोच चोच पुरुषकम अभिविरापन जरा साधन बलात्रेम, उसमें जो उल्लेख है उसमें से घृत के बाद में हेम का उल्लेख है, हेम मतलब सुवर्ण। तो अभी गोल्ड का आपको सुवर्ण का आपको मार्केट में रेट क्या आपको मालूम है वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उसमें सोने को यूज करते तो सुवर्ण जो है विषग्न है। अभी सोने शरीर में कितना एब्जॉर्ब होता है तो न सच्यते हेम पांगे कमल पत्रवत जलम, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद टिकती नहीं है उसी तरीके से शरीर में गोल्ड टिकता नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको हर एक सुवर्ण कल्पों में कहीं कहीं पे हम लोग उसको दवा में यूज करते क्योंकि इट्स अ गुड टॉक्सिन रिपेलेंट, विषाक्तता शरीर में से कम करने का काम इस सुवर्ण जैसा धातु करता है। अभी ये हम आज ही हम दवा में यूज कर रहे हैं तो पुराने जमाने में राजे रजवाड़े भी सुवर्ण भस्म का सेवन करना शुरू करते थे, आपने पढ़ा भी होगा आपको मालूम भी होगा क्योंकि महाभारत काल में भी जो कितना सारा सुवर्ण का उपयोग, जैसे कि मुकुट है राजा रजवाड़ा उनका मुकुट, तो मतलब सुवर्ण किमयागिरी जो है वो लोगों को उस समय से उससे भी पहले से ही मालूम थी। तो इस सोने का जो उपयोग दवा में उपयोग अभी हम लोग जितना हमको परवड़ता है जितना हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं तो कम से कम सुवर्ण वर्क यूज करना चाहिए। अभी सुवर्ण वर्क कितना ले, तो कज्जली अगर आपने 100 ग्राम अगर कज्जली ली है तो उसमें कम से कम आपको 35-36 सुवर्ण वर्क उसमें एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि उसमें पारद है, भले वो बंद पक्का नहीं है लेकिन पारद और गंधक के साथ में उसको अगर सुवर्ण वर्क को अच्छी तरह से मर्दन करते, प्रैक्टिस में मैं यूज करता हूं तो मुझे मालूम है कि कम से कम 2 या 3 दिन तक उसको अच्छी तरह से सुवर्ण वर्क को 0.05 mm थिकनेस से भी उससे भी कम सुवर्ण वर्क अगर हम यूज करते हैं तो कज्जली में 3-4 दिन के मर्दन के बाद में अच्छी तरह से एक जीव हो जाते हैं, क्या उसको बोले, उसको अगर अच्छी तरह से उसका मर्दन करते तो उसमें वो उतना सोना है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी तरीके से हिंगुल में भी उतने ही प्रमाण में अगर आप शुद्ध किया हुआ हिंगुल ग्लास के बोतल में अच्छी तरह से भर के रखते हैं तो उसमें कम से कम 39-40 सुवर्ण वर्क हम लोग उसमें ऐड करके उसका मर्दन करके रख देते हैं क्योंकि उसमें भी पारद है। अभी हर एक चीज में यहाँ पे पारद है तो वो पारद से वो सब धातु है बुभुक्षित है, पारद बुभुक्ष है सब धातुओं के लिए और पारद ये चीज ऐसी है कि सामान्यतः आपको उनको द्रव स्थिति में रहता है लेकिन उसमें सब चीजों को काष्ठ औषधि को और बाकी सब धातुओं को उसमें एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता है। उसी तरीके से अभी शुरू में जो कोई भी वैद्य प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं उसमें तो उसको सोना परवड़ेगा नहीं लेकिन वो एफोर्ड नहीं कर सकता उतना, लेकिन जब वो एफोर्ड कर सकता है 5-10 साल की प्रैक्टिस के बाद में तो अपने मेडिसिन में कज्जली हिंगू रस सिंदूर मल्ल सिंदूर में जरूर सुवर्ण का उपयोग उसमें यूज करना शुरू करे क्योंकि उसकी वजह से
अल्प अल्प मात्रम, इतनी कम मात्रा हो सकती है उसकी। ठीक है, आपको मैंने ये चार योग वैद्य बताए, जिसमें कज्जली है उदर विशिष्ट व्याधि में हम लोग यूज करते हैं, हिंगुल है जो है शुद्ध के प्राण और रस सुदस की व्याधि में योगवाई है, रस सिंदूर है वो जो विषम हृदय से संबंधित जो व्याधि है, इवन HIV रिलेटेड जैसे भी व्याधियां है RVD जैसी, उसमें भी ये ओज विष्ट व्याधियों में हम लोग रस सिंदूर का उपयोग करते हैं, और अवरोधजन व्याधि जैसे श्वास जैसी व्याधि है उसमें आयदर रस सिंदूर और मल्ल सिंदूर, इनमें से कौन से भी एक योग वाय द्रव्य में का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी प्राण और सुरतस रसुरतस में जो हम लोग कोई भी हम कल्प यूज करते हैं वो हिंगुल के कल्प है, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति रस है, उसके बाद है इसमें तो सुवर्ण मालिनी वसंत में तो हिंगुल भी है और सुवर्ण भस्म भी बताया, उसमें वर्ख नहीं है लेकिन सुवर्ण मालिनी वसंत में सुवर्ण भस्म जरूर बताया है, हिंगुलेश्वर रस है, मधु मालिनी वसंत है, इसमें से योगवाय द्रव्य करके हम हिंगुल का ही हम लोग उपयोग करते हैं। अभी रसोसोदस की व्याधियों में जो हम लोग देखे है, और प्राणोसोदस में तो श्वास का जैसे व्याधियां है, उसके बाद रसोसोदस में जनरली हम लोग ज्वर जैसी व्याधि है, तो ज्वर जैसी व्याधि में जो शुद्ध के बाद हिंगुल है वो तो ज्वर को उसके एंटीबायोटिक को एक्शन है ही, सुवर्ण मालिनी वसंत जैसा जो कल्प है वो ज्वर की व्याधि में, या जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस पल्मोनरी फॉक्स पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे जितने भी डिसीज है, या कौन से भी सर्व रोगेशु वसंत इस प्रकार का उल्लेख मालिनी वसंत में मिलता है, जहाँ पे राजयक्ष्मा जैसी स्थिति रहती है, ट्यूबरक्यूलोसिस मॉडर्न के डिसीज में, पॉट स्पाइन, हर एक चीज में जहाँ पे हमें सोना यूज करना है वहां पे हम लोग सुवर्ण मालिनी वसंत करते हैं। अभी श्वसन संस्था के विकारों में अभी हमारे कोई फ्रेश वैद्य रहे भी अभी BMS पास आउट हुए हैं और उनको प्रैक्टिस शुरू करने, तो बहुत सारी महंगी दवा हम लोग यूज नहीं कर सकते। भुजबल सर ने अभी उनका पूरा खजाना दिखाया कि जिसमें काष्ठ औषधिया वगैरह वो यूज करते हैं, 40-100 प्रकार के काष्ठ औषधियों के उन्होंने कंटेनर दिखाए, कि न्यू प्रैक्टिस करने वाले किसी भी वैद्य के पास इतना तो अपना ये नहीं रहता है, उतना भांडवल नहीं रहता है, उस समय क्या करें। उस समय हम लोगों को अभी समझो स्वाच कुछ था, मैं जो शुरू किया था जो प्रैक्टिस, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्डिनल सिम्टम्स कौन से रहते हैं, जो क्या उसको बोलेंगे, जो प्रधान जो लक्षण है, प्रधान लक्षण वो कौन से भी श्वसन संस्था के कौन से व्याधि में कौन से मिल सकते हैं, तो उसमें से एक उसमें कार्डिनल सिम्टम रहता है कि श्वास अपरुच्छता, ताकि डिस्निया विथ विजिंग साउंड रोंकाई, उसके बाद सेकेंड रहता है कास कफिंग, ड्राई कफिंग भी रहता है, या तो कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन रहता है, उसके बाद हिक्कप्स रहते हैं ऐसे, उसके बाद स्वर भेद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आवाज बैठा रहता है, उसके बाद पार्श्वशूल उरशूल रुल्ला छर्दी या तो रक्तष्ठीवन पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस में यक्ष्मा में ऐसे जिसमें कफिंग ज्यादा रहता है उसमें लोगों में सरक्तष्ठीवन जैसे लक्षण उसमें मिल सकते हैं, रक्तपित्त व्याधि जैसे व्याधियों में भी हेमोप्टेसिस हिमाटेमेसिस जैसे लक्षण मिलते हैं, गल संदरंभ फेरिंजाइटिस ये तो बेसिक सिम्टम है, हमने कोविड के यहाँ जो पेशेंट देखे है जो हमने ट्रीट किए हैं उन लोग उनमें भी ये फेरिंजाइटिस लैरिंजाइटिस जैसे उसमें सिम्टम मिलते थे, इवन जो अलग अलग प्रकार के राजयक्ष्मा बताया उसमें भी स्वरभेद जैसे लक्षण बताए गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण रहता है इसमें ज्वर प्रतीत। तो ऐसे पेशेंट को अगर हमको ट्रीट करना है तो हम लोगों के किसी वैद्य जो नए वैद्य जो हुए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं आयुर्वेद के लिए उनको अगर गाइडलाइन देनी है तो हम लोगों को कौन से द्रव्यों का यहाँ पे संचय करना चाहिए। तो अभी इसमें से एक तो पहले जिसके ऊपर बैन है वो ड्रग के बारे में मैं बताऊंगा दुर्मिड़ वनस्पतियों में, वो है पुष्कर मूल। अगर आपको अवेलेबल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होता है तो कोई चिंता की बात नहीं, बाकी के द्रव्यों का हम जरूर यहाँ पे उपयोग कर सकते। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य है वो है यष्टि मधु। अभी इनका प्रमाण भी मैंने यहाँ पे इस PPT में बताया, यष्टि मधु पुष्कर मूल स्वर भेद के लिए पुष्कर मूल, कास के लिए पुष्कर मूल, श्वासोच्छता के लिए भी पुष्कर मूल का बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स है। आप देखें अभी सभी द्रव्य बोले सभी वैद्य लोग बोले कि हर एक द्रव्यों का अपना रस वीर विपाक होता है, सब बराबर है थियरी के लिए सब बराबर है, लेकिन जब हम लोगों को ट्रीटमेंट की जब जरूरत पड़ती है या ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है चिकित्सा करने की जरूरत पड़ती है तो सभी मित्र द्रव्यों को एक साथ लाना बहुत जरूरी होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर या जो प्राणोश्वास के ऊपर
सिम्टमेटिकली इवन उस व्याधि को समूह नष्ट करने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए। तो अगर हमें ऐसा खुद का योग बनाना चाहिए तो उसमें यष्टि मधु, पुष्कर मूल, भारंग मूल, विभितक, बेड़ा तो अष्टांग संग्रह जैसे ग्रंथों में विभितक तो कास के ऊपर श्रेष्ठ द्रव्य बताया है। उसके बाद बाकी के द्रव्यों के साथ अगर हम उसको मिक्स करते हैं और अगर हम उसको अगर बाइंड करने के लिए अगर उसे टैबलेट बनाने के लिए तो इट्स अ गुड बाइंडिंग एजेंट ऑल्सो। बेहड़ा, यष्टि मधु, पुष्कर मूल, भारंग मूल, बेहड़ा, तुलसी पत्र, पंचांग महीने लिखा है तुलसी पत्र, अड़ुलसा, वासा, शुंठी, अभी सब द्रव्यों के सभी द्रव्यों को सम प्रमाण में लिया, ये मैं जो बोल रहा हूँ अनुभवजन्य बता रहा हूँ, जिन सब द्रव्यों को सम प्रमाण में लिया तो उसमें से जो शुंठी का प्रमाण है वो बहुत कम मात्रा में होना चाहिए क्योंकि शुंठी उष्ण वीर्यात्मक है और उसमें तीक्ष्णत्व भी ज्यादा रहता है, लेकिन शुंठी आम पाचक भी है, दीपन पाचन का भी कार्य करते, ज्यादा पाचन का काम करते हैं, लेकिन उसको शुंठी को यहाँ पे यूज करना है। और शुंठी योगवायी भी है, वो जिन द्रव्यों के साथ में हम मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, उन द्रव्यों का उनकी एक्शन, मोड ऑफ एक्शन बढ़ाने का काम शुंठी करती है, इसके लिए उसको विश्व भेषज भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ हरडा, हरित की, विभेदक और आमल की, इन द्रव्यों के साथ अगर शुंठी करती है तो शुंठी खुद का कार्य छोड़ देती है, शुंठी खुद का कार्य छोड़ देती है ग्राहित्व का, वो त्रिफला चूर्ण का हरित की, विभेदक और आमल की के साथ अगर उसको मिक्स कर दिया तो अच्छी तरह से विरेचन, सौम्य विरेचन करने का काम, वातानुलोमन करने का काम शुंठी करती है, उस समय वो ग्राहित्व काम उतना नहीं करती। उन बाकी के द्रव्यों के साथ जिनको हम उनके उसको ऐड करेंगे उन द्रव्यों की कार्मुकता को बढ़ाने का कार्य शुंठी करती है, इसके लिए यहाँ पे शुंठी भी डाला है। वैसे भी प्राणोसुदस में कफ का जो पाचन है, आम का पाचन और कफ पाचन जो करने के लिए शुंठी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत उसका इफेक्ट है। और दूसरा एक द्रव्य है जो इम्यूनोमॉडरेटर करके प्रूव्ड है ऑलरेडी, दैट इज गुड़ुची। इसमें गुड़ुची सत्व, अभी ओरिजिनल गुड़ुची सत्व मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो जिनके पास अपना खुद का गांव है जहाँ पे हम लोग नीम के पेड़ के ऊपर गुड़ुची या बाजू के फेंसी में गुड़ुची लगा सकते हैं, ऐसे गुड़ुची लगा के हमारे प्रैक्टिस के लिए जितना जरूर है उतना गुड़ुची सत्व खुद बनाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन गुड़ुची सत्व इट्स अ गुड इम्यूनोमॉडरेटर ड्रग, इम्यूनिटी बढ़ाने का, प्रतिकार क्षमता बढ़ाने की, ताकि रसव स्रोतस की प्रतिकार क्षमता, जिसको हम मॉडर्न में इम्यूनिटी कहते हैं, वो रसव स्रोतस की प्रतिकार क्षमता बढ़ाने का कार्य गुड़ुची सत्व करता है। और सबसे बड़ी बात है शुंग भस्म, अभी तो मृग शुंग भस्म मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एण शुंग करके जो है केरल साइड पे अवेलेबल है स्टील, अगर वो भी नहीं मिला तो कुकुटंडत्व भस्म, विच इज इजीली अवेलेबल। इस द्रव्यों को हम लोग, उनका प्रमाण यहाँ पे मैंने लिखा है 10% 10%, इस तरीके से उसको हमको दवा में यूज करना चाहिए, ऐसा योग बना के रखे। और सबसे बड़ी बात है योग वायु द्रव्य उसको कौन सा देना चाहिए, तो कम से कम 1 किलो इस पूरे फॉर्मुलेशन को, उसमें से सिर्फ 2-3 ग्राम, इतना ही 1 किलो के लिए 2-3 ग्राम, इसके लिए उसका परसेंटेज 0.3%, 2-3 ग्राम से ज्यादा उसमें पूरे चूर्ण में हिंगुड़ मिक्स करके ना रखे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वो ना कास्ट्रोजन के जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, जो हम योग बनाते हैं, उसको हार्डली उसकी जो सवीर्यता कालावधि है वो हार्डली 2 मंथ्स की रहती है, 2 मास की रहती है। अगर उसको हमको टिकाना है, उसको अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए किसी ना किसी रसौषधि का उपयोग जरूर करना चाहिए, ताकि वो चूर्ण का प्रिजर्वेशन भी अच्छी तरह से होता है और ऊपर उसकी कार्मुकता, मोड ऑफ एक्शन भी उसकी बढ़ाती है, उस औषधि की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। वो है शुद्ध हिंगुड़, वो 1 किलो 0.3%, मतलब 1 किलो अगर 1000 अगर हम ग्राम देते हैं पूरे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हार्डली उसमें वेट करके प्रॉपर उसकी मात्रा ग्रंथ में भले नहीं बताई हो, लेकिन इतने चूर्ण के 1 किलो की मात्रा में हार्डली 3 ग्राम आप चूर्ण अच्छी तरह से मर्दन करके अगर रखेंगे, आयुर्वेद की भाषा में उसको ग्रास बोल सकते हैं, पूरे चूर्ण को उस रस औषधि की हम मात्रा जो है वो 3 ग्राम उतना उसका कोटिंग या ग्रास हम उसको कर सकते हैं। उसी तरीके से समीरपन्न ग्रह जैसे जो द्रव्य है, जो कल्प है, उसको भी हम लोग प्राणवस्रोतस की व्याधि में योगवायी द्रव्य करके हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका भी प्रमाण उतना है। सोमल, मनशील, हरताल, गंधक और पारद की सहायता से बनने वाला समीरपन्न ग्रह, ये भी 0.3%, मतलब 1 किलो की मात्रा में हम लोग हार्डली 3 ग्राम अच्छी तरह से उसको ग्रास करके रख सकते हैं। ग्रास ये वर्ड तो हम पारद के लिए यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे ग्रास हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे
जो ताकि उस काष्ठ औषधि को रस औषधि की उसको कोटिंग रहे, ताकि उसका प्रिजर्वेशन भी ठीक रहे, औषधि मात्रा भी उसकी कम हो जाए और उस ड्रग की जो पोटेंसी है समीर पन्ना ग्रस की श्वासदन जो स्टेटस एस्टमेटिक के जो पेशेंट रहते हैं ऐसे पेशेंट में समीर पन्ना को हम लोग यूज करते हैं, या वातज करके जितने भी व्याधि उसमें भी समीर पन्ना उसके नाम से हमको मालूम पड़ता है। समीर मतलब वायु और पन्ना मतलब नाक, वायु नाक जिस तरीके से वायु को हजम करता है फूल लेता है उसे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसी तरीके से समीर पन्ना रस बाकी के काष्ठोजन की मात्रा तो कम करता ही है उसमें बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। अभी ये हम लोग किसकी सहायता से बोल सकते हैं, तो बीइंग अ पीजी और पीएचडी गाइड और उसका वो खुद पीएचडी किए उसमें से एनिमल स्टडी जो किए जाते हैं इनविवो स्टडी इनविट्रो स्टडी मोस्टली इनविवो स्टडी किसी भी कोई भी जो खुद का कल्प जो हम बनाते हैं उसको हम डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर देने के पहले विद्यार्थी जो रहते हैं वो विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के एनिमल स्टडी करके उन ड्रग की एक्टिविटी को चेक करते उसको उसको एनालाइज करते हैं उस ड्रग को भी एनालाइज करते हैं उसकी एक्टिविटी को भी इनविवो स्टडी के माध्यम से सचमुच में वो ड्रग उतना काम करता है कि नहीं उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। और उसमें से दोनों ड्रग है जो है विशेष करके समीर पन्ना जी ऑलरेडी प्रूव्ड है, जामनगर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी उसके ऊपर डिसर्टेशन हुए है, मित्तल कॉलेज में हुए है, शायद पूना के बहुत सारे कॉलेज में अच्छी तरह से ये काम चलता है वहां पे भी किया रहेगा। लेकिन हम लोग हमारे कॉलेज में भी समीर पन्ना रस जो हर एक विद्यार्थी को हम लोग जो प्रोजेक्ट देते हैं सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को उन लोगों को हम लोग हर एक विद्यार्थी को किसी को समीर पन्ना रस किसी को रस सिंदूर किसी को मल्ल सिंदूर अलग अलग प्रकार के हम लोग प्रोजेक्ट करने के लिए देते हैं। उसको तैयार करने के उसके सिद्धि लक्षण देखे जाते हैं उसका एनालिसिस किया जाता है और जो पीजी के विद्यार्थी रहते हैं उस काष्ठ के साथ में जो कोई अगर ग्रंथ का पाठ मिला तो ठीक है नहीं तो किसी ना किसी प्रकार का एक योग बना के उसके ऊपर इन विवो इन विट्रो स्टडी की जाती है। तो अगर अच्छी तरह से समीर पन्ना रस बनाया है तो उसको हम लोग श्वसन संस्था के लिए भी योगवाई कल्प करके हम लोग उसको यूज कर सकते। नेक्स्ट उदर विशिष्ट के व्याधियों के बारे में जो हम लोग कल्प यूज करते हैं चिकित्सा में आपको मालूम है सब आपके लिए एक ये है रिविजन है सुवर्ण सूच्यकर रस। ये सुवर्ण सूच्यकर रस के लिए भी जो अम्लपित्त व्याधि में जो उसका मेन अधिकार है उसके लिए और सबसे लास्ट में बोला है राजयक्ष्मा हरोसयतम रसोयमा तो सुतयशंकरा। वो राजयक्ष्मा जो बोला है वो प्राणोसुतस का राजयक्ष्मा नहीं है, वो जो राजयक्ष्मा है वो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस एब्डोमिनल कॉक्स के लिए जो हम लोग कल्प यूज करते हैं उसके लिए सुवर्ण सूच्यकर रस को हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं रुग्ण को दे सकते हैं। उसकी औषधि मात्रा आपको मालूम है हर एक चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ग्रंथों के अभ्यास करने वाले लोग हैं। लेकिन उसमें कितना दिन तक देना चाहिए कल्प को तो मंडलान अत्र संध्या सर्व रोगहरा परा राजयक्ष्मा हरो साक्षात रसोय मत सुतशेखर हा इस प्रकार का वर्णन है। तो एक मंडल मतलब 42 डेज ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वो 45 डेज होता है लेकिन ग्रंथों के पढ़ाई के हिसाब से 42 डेज करके उल्लेख है उसका। उसके बाद आरोग्यवर्धिनी वटी ने भी ये भी उदर विशिष्ट व्याधियों में दिया जाने वाला कल्प भले उसका जो अधिकार है वो कुष्ठ अधिकार है लेकिन कामला जैसे व्याधियों में भी आज प्रैक्टिस में जो यूज करने वाला आप काष्ठ से भी ट्रीट कर सकते हैं लेकिन अगर मात्रा वो उस व्याधि का अगर प्रमाण ज्यादा है तो उसमें आरोग्यवर्धिनी जरूर दी जाती है पेशेंट के लिए। उसी प्रकार से इंटेस्टाइनल जो इतने भी आंतरिक व्याधि है उसमें रस पर्पटी का भी उपयोग किया जाता है। अभी वो ड्रग किस तरीके से काम करते हैं उसके लिए हर एक ड्रग के बारे में अलग अलग उसके अलग अलग लेक्चर्स हो सकते हैं एक एक दो दो घंटे के। अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें से सुवर्ण सूच्यकर से भी उसमें सुवर्ण युक्त सुवर्ण विरहित भी बोला तो भी आंतरज कौन सी भी व्याधि होती है जैसे कि टाइफाइड जैसी व्याधि आंतरज ज्वर इस प्रकार की व्याधि उसमें से कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को बहुत सारा ये देखा जाता है कि पेशेंट को 5-7 दिन के बाद ड्राई कफिंग शुरू हो जाता है शुष्क काश शुरू हो जाता है। उस समय अगर हमको कोई ड्रग देना है तो उसके लिए सूच्यकर भले पेशेंट को 5 दिन भी देते हैं उसकी औषधि यथोचित औषधि मात्रा में तो भी पेशेंट का ड्राई कफिंग कम हो जाता है आप चाहे तो करके देखेगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से अन्नोसुतस के लिए भी बहुत सारे कार्डिनल सिम्टम्स बताया उसमें से एक तो है मलावस्तंभ दूसरा है उद्गार बाहुल्य अर्थात ये जो लक्षण है वो संगात्मक व्याधि के लक्षण है मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी करने वाले जो लक्षण है वो आंतरिक के बुरोद आंतरिक से रिलेटेड है वो मलावस्तंभ उद्गार बाहुल्य आधवान
फ्लैटुलेंस जो है वो आटोप, जिसकी वजह से पेट में गुड़ 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 जैसे आवाज आता है, अनाह मतलब पेन इन एब्डोमेन, उदर दाह बर्निंग, उसके बाद रुल्लास नौशिया फीलिंग नौशेटिंग फीलिंग, अम्लोदगार एसिड रिगर्जिटेशन, उसके बाद अरुचि अग्निमांद्य, इस प्रकार के जो कार्डिनल सिम्टम्स मिलते हैं अन्नोस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसमें से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे द्रव्यों का एक हम लोगों ने योग बना के रखा है। अभी प्रैक्टिस में हम लोग जो यूज करते हैं, आपको आपने पढ़ा है, जो आप वैद्य यहाँ पे अटेंड करें उनको मालूम है, त्रिकोटुगम अजमोदा सेंदम जरे के द्वे समधर्ण वृतानाम अष्टम हिंगु भागा प्रथम कौल भुजा सर्वेशम चूर्णमेश जयंती जनयंती जाठर में वात गुलम नियंत। हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये अंतरज व्याधि में अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट करने वाला जो कल्प है, उसके साथ में अगर हम लोग थोड़ी सी कज्जली उसमें ऐड कर, थोड़ी मतलब 1 किलो 1000 ग्राम में अगर हम लोग 2-3 ग्राम कज्जली अच्छी तरह से तैयार की हुई अगर हम उसमें ऐड करके रखते हैं, तो कज्जली तो निर्जंतुकीकरण का भी काम करती है। तो ये जो चूर्ण है, कम से कम लोग इस तरीके से तैयार हुआ हिंगवाष्टक चूर्ण कम से कम 1 से 1.5 साल तक अच्छी तरह से ग्लास के जार में अच्छी तरह से रहता है, वो खराब नहीं होता है। लेकिन आपने सिर्फ अगर उसमें अगर आपने कज्जली ऐड नहीं की, तो फिर वो वही चूर्ण जो है वो 2 महीने के अंदर आपको यूज करना जरूरी होता है। तो ऐसे संगात्मक अवरोधजन्य संप्राप्ति करने वाले अंतरज में मल की वजह से जो अवरोध निर्माण करने वाली जो संप्राप्ति है उसको भेद करने के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण जैसे हम लोग उपयोजन करते हैं, उसके लिए योग वही करके इस कज्जली का उपयोग है। उसी तरीके से अविपत्तिकर चूर्ण, अभी अविपत्तिकर में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पीपीटी में अलग सा लिखा है, PSYD मुझे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, उसमें अविपत्तिकर चूर्ण या यो पित्त धरा कला सा यो मज्जा धरा कला, अगर पित्त शरीर में बढ़ा हुआ है तो मज्जा का क्षय है, तो मज्जा को अगर पित्त से बैलेंस करना है तो उसमें बाकी के भी चीजों का उसमें दवा में यूज करना चाहिए, उसके लिए उसमें यहाँ पे अविपत्तिकर चूर्ण के लिए ये जो मैं प्रैक्टिस में यूज करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। अविपत्तिकर चूर्ण अगर आपने 1 भाग लिया तो उस 1 भाग में हार्डली 10% आपको उसमें, समझो 1 किलो आपने अविपत्तिकर चूर्ण लिया तो उसमें 100 ग्राम आपको जटामांसी चूर्ण को ऐड करना है। मार्केट में मिलता है, इट इज अवेलेबल, बहुत सारे उसमें वाद है कि हमको जो मिलती है जटा, लेकिन कुरला साइड पे जटामांसी मिलती है, ओरिजिनल जटामांसी जो हिमाचल प्रदेश में जो प्राप्त होती है, लेकिन मार्केट में इट इज अवेलेबल, वो 10% मात्रा में जटामांसी चूर्ण और प्रवाह पिष्ट पित्त शामक और मज्जावर्धक, इस प्रकार की प्रवाह पिष्टि या मुक्ति पिष्ट तो हमको परवड़ेगी नहीं, प्रवाह पिष्टि जो है प्रवाह पिष्टि को हम लोग यहाँ पे 2.5% इतने प्रमाण में लिया, और ये चूर्ण हार्डली 250 mg की 2 टैबलेट सुबह और शाम इतना भी अगर प्रमाण में दिया तो इस प्रकार के पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे ये भी उदर विशिष्ट व्याधियों में काम करने वाला ये योगवाई द्रव्य है, और उसको चूर्ण को अगर हमको अच्छी तरह से टिका के रखना है तो उसमें कज्जली जैसा यहाँ पे योगवाई द्रव्य हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओज विशिष्ट व्याधि, ओज का मूल स्थान जो है हृदय है, अभी हृदय से संबंधित होने वाली बहुत सारी व्याधि है, लेकिन ओज विशिष्ट व्याधि में हम लोग ऐसा सोचेंगे, मतलब खुद की सोच है ये, इम्यूनो सप्रेशन जिस व्याधि में हुआ है, भले हो HIV हो या और कोई हृदय से संबंधित कौन सी भी व्याधि हो, ऐसे हर एक व्याधि में हम लोग ओज विशिष्ट व्याधि हमको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो ये रस सिंदूर जो है, जो अग्नि संस्कार से प्रेरित है, अग्नि संस्कार से सिद्ध है, ऐसे रस सिंदूर में भी पारा और गंधक ही है, सिर्फ बॉन्डिंग अलग प्रकार का होता है, पक्का बॉन्डिंग है एज कम्पेयर टू कज्जली, एज कम्पेयर टू रस परपटी, ये कुपी पको रसायन में तैयार होने वाले जो रस सिंदूर है पारद और गंधक की सहायता से, इसका बॉन्डिंग और पक्का होता है, ये जो बॉन्डिंग बहुत जल्दी छूटता नहीं, डिसइंटीग्रेट जल्दी होता नहीं है, लेकिन ऐसे व्याधियों को सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतों समय धातुगत तो जिसे कहते हैं, धातु अलग अलग आगे आगे जाने वाले रस धातुगत रक्त धातुगत मांस धातुगत, जैसे जैसे व्याधि की डिपनेस जैसी बढ़ती जाती है, धातुगत तो बढ़ती जाता है, उस समय उस प्रकार उस स्रोतों को लेके जाने वाले हमारे योगवाई द्रव्यों को हम लोग उपयोग में लाते हैं। उसमें से एक कल्प भी आपको पता है, बृहत्वा चिंतामणि रस, उद्धार में मेरा PG और PhD मेरा आरे पोद्दार मेडिकल कॉलेज में हुआ है, वहां पे ज्येष्ठ वैद्य ताथेड़ सर, अंतरकर सर का हमने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन ताथेड़ सर कोहली सर सावरीकर इनके जैसे ऊपरी में हम लोग जाते थे, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के योग हम लोगों को
देखने को मिलते थे उपीढ़ी में। तो उसमें से एक भीषण भस्म योग अंतर्गत सर ने तैयार किया और तातेड़ सर में उसके हजारों पेशेंट के ऊपर उसे ट्रायल किया। ऐसा भीषण भस्म योग है जिसमें रस सिंदूर एक भाग है, शुंग भस्म। अभी वहां पर शुंग भस्म ओरिजिनल मृग शुंग के ऊपर तो बैन है, इसके लिए यूज करते समय कुटंडत्व भस्म या तो एण शुंग भस्म का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। 16 भाग एण शुंग भस्म और 16 भाग पुष्कर मूल चूर्ण, ये बैन है, तो पुष्कर मूल चूर्ण के बदले में आप अमल की चूर्ण भी ले सकते हैं। इस प्रकार का ये विषाण भस्म योग रुद्रोग के जितने भी पेशेंट है उसमें ये यूज किया जाता था। मतलब हार्ट हृदय का जो फंक्शन है, दूषित्व रसम दोषा विगुणा रुद्रोगम, दूषित्व रसम दोषा विगुणा हृदय गता हृदय बाधा, जो हृदय की बाधा है उसको कम करने के लिए जो अगर आपको कोई योग वैद्य यूज करना है तो ये विषाण भस्म योग है। अभी ये तो प्रोपरेटरी योग है, मतलब ये ग्रंथोक्त तो है नहीं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल द्रव्य की उपयोजन मालूम होने की वजह से हम लोग खुद का हमारा योग बना सकते हैं। नेक्स्ट, अभी अवरोध जन्य संप्राप्ति किसी भी व्याधि में है, वहां पे उस ऑब्सेशन को ये करने के लिए वहां पे जैसे कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वहां पे डायलेशन होने के लिए, मैं नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वैसो डायलेशन, बाकी भी कौन से भी प्रकार का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शरीर में है वहां पे उसको उसका अवरोध दूर करने के लिए और वहां पे डायलेटेशन करने के लिए सोम जैसे औषधि द्रव्यों का उपयोग, रस औषधियों का उपयोग किया जाता है। अभी ये सोमल की वजह से, सोमल की सहायता की वजह से तैयार करने होने वाला जो कुपीपक रसायन है वो है मल्ल सिंदूर। मल्ल का मतलब ही होता है सोमल। अभी मल्ल एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्ल के कल्प बोलो, तो उसमें से मल्ल सिंदूर हो गया, जिसमें से सोमल मनशिला और हरता इन तीन द्रव्यों का उपयोजन किया जाता है। उस प्रकार का ये मल्ल सिंदूर है जिसमें सोमल उसका मेन कंटेंट है, ये मल्ल सिंदूर को भी यूज किया जाता है। इसका भी प्रमाण 1 किलो चूर्ण में हार्डली 2 ग्राम इतना ही अच्छी तरह से मर्दन करके उस चूर्ण को रखेंगे तो ड्रग अच्छी तरह से काम करेगा। नेक्स्ट, एक और बात छेड़ी जो हमारे हमारे खुद की बुद्धि से काम करते आए, जैसे हमारे गुरुजन लोगों ने हमें बोला उसी प्रकार से त्वचा योग को अगर हमको ट्रीट करना है। अभी त्वचा योग में कीटी आता है, उसके बाद लाइकन प्लैनेट जैसे अलसक जैसी व्याधियां है, विचर्चिका जैसी व्याधि, बहुत सारी व्याधि है। इसमें सही प्रश्न ये होता है कि इसमें हम कोई योग वायु रस औषधि कौन सी यूज करे, द्रव्य कौन सा यूज करे, तो उसमें से सिंगल उसमें कंटेंट है हरताल। वो हरताल से हम लोग पुटपको पद्धति से हम लोग ये रसम माणिक्य तैयार करते हैं। हम ये जो फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, हम हमारे कॉलेज के रसशास्त्र डिपार्टमेंट में फार्मेसी तैयार हुआ है रसम माणिक्य, अच्छी तरह से उसको मर्दन करके डार्क रेड कलर का वो जो चूर्ण बनता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अभी उसको देना कहाँ पे, अभी ये योग बनाते समय किसी ग्रंथ का योग तो है नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि चरक संहिता में श्रेष्ठ द्रव्य त्वचा रोग के लिए कौन सा बताया है, तो है कुटकी। उसके बाद वाग्भट में कौन सा श्रेष्ठ द्रव्य बताया, अष्टांग संग्रह के ग्रंथ में अग्रगण है तो मंजिष्ठा। तीसरा द्रव्य सुश्रुत संहिता में कौन सा बताया है, तो हर एक जगह पे वहां पे दारू हरिद्रा का उल्लेख आता है। पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है ईचिंग, मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली हम लोग जो प्रैक्टिस में जो हम लोग सिम्टम पेशेंट के जो हमको ट्रीट करने पड़ते उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब योग बनाए। उसके बाद है जटा मानसी चूर्ण, ये थोड़ा सा सेडेटिव भी है, रिलैक्सेंट भी है, इचिंग कंडुक न करके भी उसका उल्लेख है, उसको यूज किया जाता है, स्ट्रेस रिलीव करता है। त्वचा रोग के पेशेंट के लिए उनका मेंटल इरिटेशन दूर करना बहुत जरूरत है। शायद आपकी पूना की भाषा में जो ग्रंथोक्त सब वर्ड्स है मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ जो मैंने जाना है वो मैं आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ। ये बाकी सब अगर 100-100 ग्राम लिया तो जटामंसी चूर्ण, इन सब द्रव्यों 300 में से 30 ग्राम से जटामंसी चूर्ण होता है। प्रवाहपिष्टि हार्डली 5% वो जो है जो प्रवाहपिष्टि दाह ये लक्षण कम कर देता है, जटामंसी स्ट्रेस भी कम कर देता है, उसके बाद में उसका कंडुग न करके भी काम करता है। और गुड़ जो सत्व यहाँ पे यूज किया जाता है वो प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने वाली चीज है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। ये सब उद्देश्य की वजह से ये सब चूर्णों का कॉम्बिनेशन किया और उसमें योग वायु द्रव्य करके रसमाणिक्य जो है बहुत कम मात्रा में उसका उपयोग यहाँ पे उसका परसेंटेज लगा, बहुत कम मात्रा में रसमाणिक्य का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आप किटिब विचर्चिका अलसक श्वित्र इस प्रकार के व्याधियों में आप खुद के अलग अलग योग बना सकते हैं। नेक्स्ट, अभी
आपके प्रैक्टिस में बहुत सारे आप लोग चूर्ण यूज करते हैं, बहुत सारे काढ़े, महारसनादि काढ़ा, रासना एरंडवाद, सहचरादिकवाद, रासना सप्तकवाद, अलग अलग प्रकार के हम लोग व्याधियों को ट्रीट करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स को ट्रीट करना पड़ता है। पेशेंट को इतना समझता है, पेशेंट क्यों आता है, क्योंकि उसको दुख होता है। दुख होता है मतलब क्या होता है, पेन होता है। तो पेन कम करने वाले ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो फ्रेश प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के इन द्रव्यों का हम लोगों ने संचय किया। वो क्या चय किया है, तो रासना, रासना नंबर वन, प्रमाण एक भाग, देवदारू एक भाग, बला एक भाग, पुनर्नवा शोथ, कोई भी संधिगत वाद जैसे किसी भी व्याधि में अगर वहां पे शोथ अगर लक्षण है, हंति संधिगता संतिम शुला टोपो करोती च, अगर ऐसे लक्षण है तो वहां पे पुनर्नवा आप जरूर यूज करे, गुक्षुर को यूज करे क्योंकि दशमलव में उसका उल्लेख है। उसके बाद गुड़ूची हर एक जगह पे हम लोग यूज करते ही आ रहे हैं क्योंकि गुड़ूची और शुंठी जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे योग बनाए जाके हम लोग एक ही चूर्ण को अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। मृतेन वातम सगुड़ा विबंधम पित्तम सिद्धाड्या मधुना कफम च वाताश्रमग्रम रुभुतैल मिश्रा शुंठे अमामोतम शमयित गुड़ूची। तो ऐसे कोई लक्षण है, समझो पहले शुरू में अगर कोई निदान ठीक से हो नहीं पा रहा है, आइदर दिस इज आमवात और संधिगत वात और वात रक्त, तो तीनों के ऊपर कंट्रोल में लाने वाला हम लोगों के पास पहले एक योग होना चाहिए जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे गुड़ूची और शुंठी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया है। तो गुड़ूची एक भाग और शुंठी सब चूर्णों के 10% प्रमाण में ही लेनी है। और कार्टिलेज, नी ज्वाइंट के जो कार्टिलेज है, टेंडन्स है हर एक ज्वाइंट के, उसको बल देने के लिए शुद्ध शिलाजीत, शिलाजीत के आप गुण देखे उसमें से कार्टिलेज मसल इन सब को पावर देने के लिए, उसका टोनिंग ठीक से करने के लिए शुद्ध शिलाजीत का उपयोग किया जाता है। 0.25% इतना है उसका प्रमाण रखे। और इस पूरे योग को अगर आपको अच्छी तरह से उसको उसकी मात्रा और कम करनी है और उसको योगवाहित वो जोड़ना है तो ऐसा द्रव्य है जो वात व्याधि में हम यूज करते हैं, वह है समीर पन्नग रस। हार्डली 0.25% एक किलो का इतना, हार्डली एक किलो में आप 2.5 इतना ग्राम उतने यूज कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे ये आप कैसा क्लेम कर सकते हैं, तो जो कॉलेज में जितने भी पीजी के पीएचडी के जितने भी डिसर्टेशन या रिसर्च वर्क चलता है उस सब रिसर्च में कोई ना कोई अगर हम खुद योग बनाते हैं, अगर ग्रंथों को नहीं लिया तो हर एक चीज को जस्टिफाई करना पड़ता है। वो जस्टिफाई करते समय कोई अगर अपना प्रोप्राइटरी योग है, ग्रंथों को नहीं है, स्वयं हमने तैयार किया है, हर एक इंडिविजुअल इनग्रेडिएंट के बारे में जानकारी लेते तो उस योग का पहला इन विवो स्टडी एनिमल स्टडी उसके ऊपर पहले किया जाता है। उसमें उसकी औषधि मात्रा निश्चित की जाती है, उस द्रव्य का कोई कहीं अगर अच्छी तरह से ठीक से तैयार किया है, योग्य मात्रा में दिया है तो उसका बॉडी में किधर डिपोजिशन भी नहीं मिलता है। एनीवे नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने कोविड को बहुत सारे दुनिया ने उसको फेस किया तो आयुर्वेद की तरफ एक बहुत बड़ी आशा थी कि आयुर्वेद इसके बाद इसके माध्यम में क्या करेगा। अभी हमारे पास समय बहुत कम है लेकिन फिर भी उसके बारे में ग्रंथों में जो उल्लेख है उन चीजों को थोड़ा देखे, लेकिन मैं आपके साथ वो क्लिनिकल हम कौन से ड्रग हम लोगों ने यूज किए थे उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये तो जनपदों ध्वंस में व्याधि थी। नेक्स्ट, इट वॉज पैंडेमिक। संप्रति बारे में अभी बहुत सारा बात नहीं करेंगे, आप जानते ही है उसका स्वैगुण्य श्वसन संस्था फुफ्फुस ये सबसे पहली बात थी। नेक्स्ट, दोष दुष्य समूर्छना भी आपके बारे में मालूम है, ज्वर प्रतिथि पेशेंट को जिनको थी, अभी इन लोगों को खुद को ट्रीट करने से अच्छा टेलीफोनिक डिस्कशन के ऊपर ही पेशेंट को जो मैंने किया मैं आपको बता दूं, टेलीफोनिक डिस्कशन फोन को पेशेंट को बोला था कि बाबा आप लोग खुद क्लिनिक, क्योंकि बाकी के पेशेंट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात क्लिनिक में आके कोई पेशेंट भी बैठेगा तो भी सब बाकी के सब लोगों को इन्फेक्ट करेगा, इसकी वजह से अगर ज्वर प्रतिथि है तो हम लोग उस पेशेंट को संशमनी वटी या गुड़ूची घनवटी लेने के लिए हम लोग बोल रहे थे। कोई ना कोई रिश्तेदार आके जो उनके ज्यादा संपर्क में नहीं था वो आके वहां पे देके आता था गुड़ूची घनवटी, महासुदर्शन काढ़ा, कई लोगों को परिपाठादि काढ़ा भी दिया था जिनको रैश वगैरह आती थी ऐसे लोगों को हमने परिपाठादि काढ़ा भी दिया था। उसके बाद जिन पेशेंट को ब्रिथलेसनेस श्वास कुरुचता जैसा लक्षण था उन पेशेंट को श्वासकुठार रस, श्वासकुटर रस अगर ज्यादा दिन तक देने में आया तो रुक्षता थोड़ी बढ़ जाती है, इसके लिए अगर चेस्ट कंजेशन है कफ स्टीवन है तो ऐसे पेशेंट में हम लोग श्वासकुटर रस देते थे
भारंग आदि काढ़ा सब लोगों को कॉमन था जो श्वासघन काम करता था। उसके बाद में जिन पेशेंट को गैस्ट्राइटिस सीवियर गैस्ट्राइटिस ऐसे ऐसे पेशेंट के लिए कामदुदावटी सूचकर जैसे हम लोग कल्प देते थे। फेरिंजाइटिस लैरिंजाइटिस अगर किसी पेशेंट को था गर्भ गिलने उसका स्वैलो करने के लिए भी पेशेंट को और तकलीफ तो वहां पे त्रिभुवन के तिरस भी दिया था। और इसमें का से लक्षण बहुत प्रोमिनेंटली था कफिंग था इसके लिए तालीस आदि चूर्ण तालीस मरीजम शुंठी पिप्पली वंशलोचनम एकद्री चतुर्पंच कर्षर बागान प्रकल्प इस प्रकार का जो योग है तालीस आदि चूर्ण ऐसे तालीस आदि चूर्ण को हम लोग एक कर्ष मात्रा में दिन में दो बार दे रहे थे हनी के साथ में मधु के साथ में। और गंडूष हर एक पेशेंट को कंपलसरी था वो था हरिद्रव सेंधव। ऐसे मैंने 32 पेशेंट को हम लोगों ने ट्रीट किया जिन पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उनका होम आइसोलेशन था जो मैंने यूज किया दवा में मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट ये बहुत सारा डाटा है उतना हमारे पास समय नहीं। ये किसी और एक प्रेजेंटेशन में मैंने भी ये बताया था कि जिसमें इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करके उनको ट्रीट करना पड़ता था। नेक्स्ट आज का विषय नहीं। नेक्स्ट इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक दवा कल्पों कौन से यूज किए थे वो मैं आपको बताता हूँ। श्वास का चिंतामणि रस रस कल्पों में सुवर्ण सूचक रस श्वासकुटार रस समीर पन्नग रस चतुर्मुख रस त्रिभुवन कीर्ति रस ये सिम्टम रसकल्प में हम यूज करते हैं। गुटी वटी में महासुदर्शन घनवटी गुड़ुची घनवटी संजीवनी वटी कुटज घनवटी कामदुदा वटी अर्जुन घनवटी इस प्रकार के कल्प हम लोगों ने यूज किए थे पैंडेमिक में। कषाय में भारंग्यादिक वाद और महासुदर्शन वाद परिपाठक तो जो कोविड में जो आयुष 64 करके जो काढ़ा गवर्नमेंट ये कर रहा था उसमें से थोड़ा शरीर में उष्णत्व कई सारे पेशेंट को ब्लीडिंग पर एक्टम और सिम्टम दिखाई दे रहे थे इसके लिए उसका ज्यादा उपयोजन न करके भारंग्यादिक वाद या षडंग पानीय इस प्रकार के काढ़े हम लोगों ने ज्यादा यूज किए। और बृहत वर्णित काढ़ा इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन बृहत वर्णाधिक वाद हम लोग भले पढ़ते हैं कि वो रेनल कैलकुलस इस चीजों में लेकिन बृहत वर्णाधिक वाद का एक हम लोग पुदार कॉलेज में जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुए थे उसको हम लोगों को ताथेड़ सर जो हमने बता देते वो ये बताते हैं कि बृहत वर्णाधिक वाद हेल्प्स इन टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन और सचमुच में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने का काम बृहत वर्णाधिक वाद से होता ही है। चूर्ण हम लोगों ने यूज किए थे पैंडेमिक सितोपलादी तालीसादी सबसे इंपॉर्टेंट एक चूर्ण है वो है 64 पिंपरी रसायन लेकिन उस तरीके से सचमुच में तैयार किया जाता है कि नहीं अगर हमने खुद बनाया उतना समय तो था नहीं लेकिन 64 पिंपरी रसायन का यूज करना चाहिए। और अवलय में वासावलय कंठकारी अवलय बहुत सारा यूज किया था प्रैक्टिस में। वासावलय यूज करते हैं तो कफ एक्सपेक्टोरेशन करने के लिए अडुलसा अच्छी तरह से काम करता है। इट कंटेन्स ब्रोमेक्सिन मॉडर्न ड्रग देने से सिंथेटिक ड्रग से जो अपने नेचुरल ड्रग है उन ड्रग को हम लोगों को यूज करना चाहिए। वासावलय और कंठकारी अवलय जितना भी कंठकारी है वो सूक्ष्म स्रोतों में जाके वहां से उस कफ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हेल्प करता है। चौन प्राशलरी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए दिया था लेकिन जिन पेशेंट ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया उन लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए नहीं ये तो ऑब्जर्वेशन है। रादर कोविड पैंडेमिक की वजह से लोगों को आयुर्वेद की ताकत मालूम पड़ी। अभी बताने के लिए बहुत सारा है नेक्स्ट टाइम उतना नहीं है। नेक्स्ट जैसे आप देखिए ये बहुत सारे पेशेंट्स है पैंडेमिक के नहीं है डायबिटीज पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट किसी भी वैद्य को किसी भी प्रकार की डरने की कोई जरूरत नहीं। आपके पुणे के वैद्य लोगों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज करते हैं ये हमें मालूम है। तो इसमें से जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है इसमें से वसंत कुसुमा का रस जैसा कल्प है वो इंसुलिन कम करने के लिए बहुत यूज में आता है। गुड़मार घनवटी सिंपल एक ही औषधि काष्ठ औषधि उसकी घनवटी बनाते हैं। गुड़मार घनवटी और मामे जवा घनवटी और वसंत कुसुमा का रस इन कल्पों का यूज करके और निशाकत्तक आदि क्वात जो ग्रंथों में बताया उसका उपयोग करते हैं तो भी बहुत सारे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एक पेशेंट का सिर्फ इधर डाटा बताया कि बाबा 36 यूनिट लेते थे वहां से लेके 36 पूरे डेट के हिसाब से पूरा डाटा है। बहुत सारे पेशेंट का मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं पे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को हम लोग इसके बारे में जानकारी दे सके। नेक्स्ट
इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटिक पोर्पोरिकी के केस थी, उसमें से जो ट्रीटमेंट जो दिया था उसमें चंद्रकला रस, अड़ूसा, वासावलेह, रोहित अकारिष्ट, दाढ़ी माजे ग्रोथ, ये सारे यूज किए थे। ये तो के एक सिंगल केस स्टडी के ऊपर एक पूरा अलग सा लेक्चर हो सकता है। प्लेटलेट काउंट, उस प्लेटलेट काउंट का भी चार्ट मैंने मेंटेन किया था, उसके लिए हमें अलग सा एक लेक्चर लेना पड़ेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके लिए भी चंद्रकला रस, फुटेज घनवटी, संजीवनीवटी। नेक्स्ट, अभी कई एक स्किन के जो पेशेंट ट्रीट किए थे उसका फोटोग्राफिक उसके डेट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया है। बिफोर ट्रीटमेंट है, सूर्यासिस का पेशेंट है, एक कुष्ठ कहते हैं, कई लोग उसको किटिप भी कहते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं, वातज लक्षण है, पित्तज लक्षण है, कफज लक्षण है, तो ये सब देखते हुए यहाँ पे समय लिखा हुआ है 30 नवंबर 2008 से लेके 15 चार महीने की ट्रीटमेंट है। उसमें ट्रीटमेंट क्या दी मैं आपको बताऊंगा। आरोग्यवर्धिनी, कामदुदावटी, महामंजिष्ठा दी क्वात, मंजिष्ठा जो आपको योग मैंने बताया, मंजिष्ठा, कुटकी, दारूहल्दी, जटामानसी, प्रवाल पिष्टि, गुड़ुजी सत्व, ये योग यहाँ पे दिया है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पूरा आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ नियर अबाउट 9 मंथ्स वो पेशेंट को पूरा का पूरा निकल गया। अभी लोग कहते हैं कि ये सोरायसिस जो चीज है वो स्ट्रेस की वजह से आती है, लेकिन आज तक ये पेशेंट को अभी तक उसका रिलैप्स मिला नहीं है। सिर्फ उसको योग प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और अगर कोई दूसरा कोई सिम्टम मिलता है, लेकिन मानसाधिकवाद या सारस्वतारिष्ट जो स्ट्रेस कम करेगा ऐसा अगर दवा देता है तो अपुनर्वो चिकित्सा भी हम लोग कर सकते हैं। ग्रंथों में तो बहुत सारी चीजें बताई है, सब चीजें हर एक पेशेंट को, ये तो बहुत बहुत पूरा प्योर पेशेंट था, लेकिन हर एक चीज के हर एक पेशेंट को हम लोग इतना महंगा दवा भी नहीं दे सकते। इसके लिए काशोर जी की यहाँ पे जरूर सहायता ली। और ये चूर्णों का जो हम उपयोजन करते हैं उसमें से अगर रसमाणिक हम लोग रसमाणिक महंगा भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, तो उस पूरे योग में हार्डली 0.01% भी अगर हम यूज करते हैं तो भी पेशेंट को रिलैप्स होता नहीं है और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, ऑल दीज आर द सोरियाटिक पेशेंट्स। शुरू में स्किन स्पेशलिस्ट भी उन्होंने डर्माटोलॉजिस्ट ने जो डायग्नोसिस किए थे वो एटोपिक डर्माइटिस करके पहली वाली पीपल एटोपिक डर्माइटिस जैसे उन्होंने डायग्नोसिस किए थे, बट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफकोर्स इन लोकल एप्लीकेशन मरीचादी बुरहण मरीचादी तेल का भी उपयोग यहाँ पे किया है। जहाँ पे मुरण मरीचादी पेशेंट को सूट नहीं हुआ वहां पे करंज तेल और नीम तेल का भी कॉम्बिनेशन लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया है। हिरन का उसके पर्टिकुलर पैटर्न रहता है, लेकिन मेरे खुद के प्रैक्टिस में बहुत सारे स्किन के लिए भी पेशेंट्स आते हैं और उनको हम लोग ऐसा कोई ट्रीटमेंट दावा नहीं कर सकते कि 100% पेशेंट ट्रीट होते, नहीं तो मार्केटिंग होता है, लेकिन सचमुच में इसमें उपचय का बहुत सारा प्रमाण अच्छी तरह से दिखाया देता है। नेक्स्ट, ये पाल्मो प्लांटर सूर्यास्तिस। नेक्स्ट, ये सब ट्रीट किए पेशेंट के बिफोर आफ्टर के फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट, प्लांटर सूर्यास्तिस आप इसके सामने समय भी दिखा है। जितना भी आयुर्वेद में थोड़ा बहुत जो कुछ काम किया है, लर्निंग किया है, टीचर मैं भी विद्यार्थी हूँ आयुर्वेद का, बहुत सारे लोगों का सहवास मिला, उनकी सहायता से जितना भी डाटा जमा कर पाए ये सब यहाँ पे इस फोटोग्राफ में दिखाए हैं। इसमें से आपके जो जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया उन लोगों को जितने यहाँ पे जो योग कोई भी यूज कर सकते जरूर देखे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के ऊपर ट्राई करके यहाँ पे मैंने इस प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है। नेक्स्ट, इलिखवेश लोकावली, रसि शास्त्र का बुक 2008 में पब्लिश किया था पहला। उसके बाद में एक कॉलेज के बारे में थोड़ा मैं बताऊं चाहूंगा, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ एज अ प्रोफेसर करके, डॉक्टर जी डी पोल फाउंडेशन YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खारगर नगर, डॉक्टर जी डी पोल साहब का कॉलेज है, वहाँ के डीन है डॉक्टर संजीव यादव सर। यहाँ पे जितना भी काम किया है, हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे मैं खुद जब पढ़ रहा था उस समय देखा कि बाबा विद्यार्थियों को सिर्फ हम कल्प पढ़ाते या पुपी पको रसायन पढ़ाते पुटली रसायन पढ़ाते परपटी रसायन, लेकिन हम खुद करके देखते नहीं है। इसके लिए हर एक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिया, आगे चल के उसमें इतना यश मिला। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज देखी भी नहीं थी, भूनाक सत्व रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन ग्रंथ में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में उसके प्रोसेस क्या है, उसकी विधि क्या है वो ठीक से समझ लेनी चाहिए और उन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरह से प्राप्त करके उसको ऑथेंटिकेट करके फिर उससे ग्रंथ के हिसाब से उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए।
ये करने के बाद में ऐसा ऐसा उसमें इतना इंटरेस्ट आया कि अगर हम खुद दवा बना के, अगर पेशेंट को खुद योग बना के दवा पूरे के पूरे बनाने के लिए करते रहेंगे तो अभी उतना समय होता नहीं है। एटलीस्ट खुद के योग खुद बनाएं, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट लगते हैं, जो शोधन करना चाहिए, खुद का शोधन खुद करना चाहिए। ये आपको इसके लिए मैं बताता हूँ कि किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हम लोग पारद यूज करते हैं दवा में, तो उस पारद में जो मर्क कंपनी का पाया जाता है, मर्क कंपनी का पारद भी प्यूरिफाइड नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से। उसमें से जो पारद का जो प्रमाण है, परसेंटेज है, वो 99.99% प्यूरिफाइड मिलता ही नहीं। उसके लिए हम लोगों को हमारी जो शोधन की प्रोसेस है वो प्रोसेस करके फिर ही उसको दवा में यूज करना चाहिए। मेरे पीएचडी के प्रोजेक्ट में मैंने ये सब करके देखा है। उसमें स्ट्रॉन्शियम करके एक पॉइजनस इंग्रेडिएंट है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। बाकी के तो उसमें मेटल्स रहते हैं, कॉपर रहता है, लेड रहता है, बाकी के जो उसमें टिन रहता है, बाकी तो एक न लक्षण न वो शुद्ध भवति पारम, या तो रसेश्वरम सम सुधार जैसा मर्द्यत्रम जो ग्रंथ में उसका शोधन का जो पाठ बताए वो करने के बाद में फिर उसमें से कॉपर का प्रमाण जो रहता है परसेंटेज बहुत सारा कम हो जाता है, पूरा का पूरा निकलता नहीं। तो और स्ट्रॉन्शियम, लेकिन एक एन एलोशन पद्धति से स्ट्रॉन्शियम पूरा का पूरा निकल जाता है। 0.025% कुछ मिला था मर्क कंपनी के पैक में भी, स्टैंडर्ड मिलने के बाद भी उसको प्यूरिफाइड करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को दवा के लिए उसको यूज करते समय उसका शोधन जरूर करना चाहिए। ये बाकी का चार्ट का सेकेंड ईयर के यूजी के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बहुत सारा उपयोग हो इसके माध्यम से। चार्ट का रशिया सरकार भी बुक पब्लिश किया, खुद वैद्य होने की वजह से। नेक्स्ट अभी पिछले दो नियर अबाउट 2015-16 में ये वाग्भट निदान स्थान, मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया था वैद्य माधव साने सर ने, कि उनको हमने एक पेशेंट पूछा था जो खुद प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उनको मैं उनको पूछा सर हम लोग क्लिनिक में कौन सा मेडिसिन रखे, तो सर ने हमें ये पूछा क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है आपके क्लिनिक में कौन से लक्षण लेके पेशेंट आएंगे, तो उसमें से ज्वर, अतिसार, श्वास, कास, उदरशूल, संधिशूल, रक्त मूत्रत्व, ऐसे बुद्धगत रक्तस्राव, ऐसे 10-12 सिम्टम निकाले। तो बोले कि ये तो 10-12 सिम्टम में आपकी प्रैक्टिस थोड़ी होने वाली है। इस तरीके से करते करते नियर अबाउट 306 इतने लक्षण हमको मिले। फिर उसका 14 साल 86 पेज का ही ये बुक है, लेकिन इसका लिखने के लिए कलेक्शन खुद किया, किसी स्टूडेंट से थ्रू मैंने किया नहीं है। वो खुद कलेक्शन करते समय उसको 14 साल लगा पूरे। अभी उसके जीर्ण शीर्ण स्वरूप में उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, वो पूरी की पूरी जीर्ण स्वरूप में है, लेकिन 14 साल के बाद ये पूरी लक्षण सारी पूरी हुई, सिर्फ वाग्भट की करके हुई है। अभी चरक की करनी है, सुश्रुत की करनी है। उस सिम्टम का चार्ट मैंने हमेशा मेरे प्रैक्टिस में रखता हूँ। बहुत सारे अभी समझो पाणिक श्वेद कैसे करके जैसे लक्षण है, इस पेशेंट को आदत रहती है। कैमरा ऑन करे, पेशेंट को एक आदत रहती है, कैमरा, पेशेंट की आदत रहती है इस तरीके से पाणिक श्वेद, अपने हाथ को ऐसा मर्दन करते हैं और खुद ऐसा देखते हैं। इसका ग्रंथों में उल्लेख है कि 6-8 महीने के बाद में एक समय के साथ में उस पेशेंट को राजयक्ष्मा जैसी व्याधि हो सकती है। आप वाग्भट देखे, इसमें मैंने ये सब मेंशन किया। तो इस प्रकार के जो लक्षण है उन लक्षणों को अगर मेंशन किया बहुत बहुत कैमरे कर बहुत अगर बारकाई से बहुत ठीक से अगर हम देखते हैं लक्षण, तो हमें उसके बारे में जो उस लक्षण के हिसाब से उसका निदान करके वो वातज लक्षण है, पित्तज लक्षण है कि कफज लक्षण है, उसके बाद में कौन से धातु से संबंधित है, कौन से दोष से संबंधित है, कौन से दोष धातु सम्मूर्चना हुई रहेगी, इसके बारे में एक बार दिमाग में शुरू हो गया, फिर उसके बारे में चिकित्सा हम किस प्रकार की करनी चाहिए हमें खुद को मालूम पड़ता है। तो खुद प्रैक्टिस करके खुद तैयार होना हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर एक वैद्य ये दवा इसके लिए यूज करते इसके लिए हम लोग को यूज करना चाहिए ऐसे नहीं, खुद अनुभवजन्य ज्ञान अपने प्रैक्टिस में पाना ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट भुजबल सर ने और आदरणीय गाड़गे सर की वजह से
यहाँ पे आज मुझे आपके परम आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम में आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, मेरे खुद के प्रैक्टिस के अनुभव आप लोगों के सामने पेश करने की आपने मुझे एक संधि दी। इसके लिए परम आयुर्वेद का और आप जितने भी लोगों ने ये अटेंड किया सेशन, उन सबका मैं अत्यंत आभारी। धन्यवाद। किसी को अगर पेशेंस है या किसी को कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ सकते हैं। नमो नमः। नमः। धन्यवाद गुरुवर्य जी। गुरुवर्य नहीं, मैं भी आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ जी। आप अभी परम गुरुवर्य हो गए हैं सर। तो आपने विषय का आरंभ जो अल्पमात्रम महावेगम यहाँ से शुरू किया था, और वाग्भट का जो आपने पुस्तक प्रकाशित किया है, वहां तक का पूरा ही प्रेजेंटेशन व्यवहार में अत्यंत उपयुक्त है। तो आपकी मेधा शक्ति हमें इस व्याख्यान से बड़ी अच्छी से प्रतीत हुई है, और आपके इस व्याख्यान की वजह से हमारे मेधा का जो भी जड़त्व है वो कम हुआ है। व्याख्यान अतीव मधुर था, नाति विस्तार नाति संक्षेप था। तो अल्प समय में चिकित्सा में उपयोगी सभी कल्प, और एक जो आपने टेक होम मैसेज दिया है कि अपने खुद के स्वयं के फॉर्मुलेशन या योग बनाए, ताकि वो हम रुग्णों में भली भांति और अच्छे विचार के साथ में प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ उचित होगा। तो इतने सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दो प्रश्न है, क्या हम ले सकते हैं? जरूर जरूर। ग्रहणी पहले, 40 एज में अगर संधिगत वात पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ऐसे पेशेंट में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाने के लिए वातहर योग दे सकते हैं क्या? उसके लिए वातहर योग नहीं देना है। अगर वहां पे साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हुआ है तो श्लेषक कफ का, हम लोग संधि के यहाँ पे जो श्लेषक कफ का क्षय है, वहां के लिए जानू बस्ती जैसी ट्रीटमेंट है, मुरवेणा और कर्पूर आदि तेल की, वो अगर करते हैं तो उसमें से जो स्टिफनेस है जॉइंट का, वो कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है और जॉइंट फ्री होता है। लेकिन सिर्फ एक दवा की सहायता से या किसी योग से हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर सकते, या सिर्फ वातयोग से भी ट्रीट नहीं कर सकते। उसके लिए इस तरह के अगर व्याधि है तो उसमें हम लोग किसी गुग्गुल कल्प का जरूर यूज करे, वो ये काढ़ा यूज करे। लेकिन यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कम हुआ है, अगर एज पेशेंट का कम है तो उसमें उसके आर ए टेस्ट की टेस्ट करके लेना, एएसओ टाइटर, आर ए टेस्ट, सीआरपी, ये तीन टेस्ट इन्वेस्टिगेशन उसके करना जरूरी है। उसमें से अगर आर ए टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना अभी समय के हिसाब से बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करना भी उतना ही जरूरी होता है, वहां पे कोई भी ऐसे प्रकार का कोई हट न करे, सिर्फ सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट करेंगे। कितनी बार होता है कि पेशेंट को अमवाद रहता है, लेकिन अमवाद होने के बावजूद उसका आरएटीएस पॉजिटिव नहीं रहता है। तो अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं कि बाबा कोई ऑयल एप्लीकेशन करने के लिए वहां का अगर शोध बढ़ता है, पेन बढ़ता है, तो उसको हम अमवाद ही जाने, उसको संधिगत वात न जाने। क्योंकि अगर पेशेंट का एज कम है, बिफोर 40 है, तो अमवाद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उस पेशेंट में हम लोग सिंहनाथ गुगुल जैसा कल्प का हमें उपयोग करना चाहिए। और जानू बस्ती अगर संधिगत हुआ तो वहां पे वो डिटेक्ट होता है एक्सरे, और इस माध्यम से एक्सरे, पीए व्यू, एपिलैटरल व्यू जो है वहां पे एक्सरे, नी जॉइंट जो है उसका अगर एक्सरे करके वहां पे डिजनरेटिव चेंजेस मालूम पड़ती है, तो वहां पे हम लोगों को मुरवेणा कर्पूर आदि तेल का जो जानू बस्ती है उसका उपयोग होता है। और ओरल चिकित्सा में अस्थि पोषक, अश्वगंधा, रासना, देवदर, जो मैंने आपको योग बोला, उसका भी उपयोजन कर सकते हैं। दीपन पाचन को किसी भी वैद्य को भूलना नहीं चाहिए। किसी भी कल्प की योजना करते समय 80% कल्पों में त्रिकटु चूर्ण का उपयोग किया ही है। त्रिकटु, इसका उद्देश्य यही है कि दीपन और पाचन किए बिना हमारी कोई चिकित्सा हो नहीं सकती। धन्यवाद सर। नेक्स्ट प्रश्न है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन के पेशेंट में उदावरता प्लस अम्ल पित्त जैसे लक्षण होते, वहां लाक्षणिक चिकित्सा देने पर भी लाभ नहीं होता, तब क्या चिकित्सा विचार करें? जैसे सूतशेखर, हिंगू अचारी और एरंड भ्रष्ट हरितकी दिया है, 50% रिलीफ है बट नॉट 100%। पेशेंट को लक्षण क्या है सर? मैडम बोला, पता है अपने उदावरता प्लस अम्ल पित्त।
अम्ल पित्त प्लस उदावर्त अगर रहेगा तो वहां पे सुवर्ण सूचकर रस के साथ में शंखवटी वातानुलोमक ऐसा कोई एक कल्प यूज करना वहां पे जरूरी है। अगर ग्रहणी चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं वहां पे मूरबद्ध मूर द्रव मल प्रवृत्ति है तो वहां पे किसी पर्पटी कल्प को यूज करना जरूरी होता है, लेकिन आपने उदावर्त बोला है, उदावर्त बोला है तो उसमें आपको वातानुलोमन तो करना ही चाहिए, लेकिन सुवर्ण सूचक रस और उसके साथ में वातानुलोमक दूसरा कल्प है शंखवटी, ये अगर यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारा लाभ चिकित्सा में जरूर दिखाई देता है। सिर्फ सिम्टम पूछ के यहाँ पे फायदा नहीं है, पेशेंट का बाकी का आहार विहार क्या है, पेशेंट काम क्या करता है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, आप लोग तो श्लोक आपको मालूम है, दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम भया, सब चीजों के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ता है। पेशेंट क्या आहार लेता है, कितना तिक्त कितना कटु रसात्मक आहार लेता है, क्योंकि उसका जो दीपन है दीपन यहाँ पे करना जरूरी है, लघु आहार यहाँ पे होना बहुत जरूरी होता है, दीपन पाचन इंप्रूव करे इंटेस्ट है, और उसको योग योग जिसमें मेडिटेशन ध्यान भ्रामरी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुंभक नहीं करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम इन अगर चीज करते मेंटल स्टेटस अगर अच्छी तरह से मेंटेन करते तो पेशेंट को जरूर लेते मिलता है। पेशेंट को थोड़ा कोई भी वैद्य बातचीत करने के लिए थोड़ा समय जरूर दे, उस माध्यम से क्या होता है पेशेंट का काउंसलिंग बहुत होता है, बहुत सारा। अभी देखिए आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अगर हम घर पे बैठे या कोई अगर थोड़ा घर पे बैठा और कोई गांव से रात को समझो 11:30-12 बजे किसी का फोन बजता है तो पेशेंट को टेंशन आता है, उस ऐसी स्थिति में पेशेंट को तुरंत टॉयलेट भागना पड़ता है। अभी इस इंटेस्टाइन का और ऐसी कोई डरावनी चीज के फोन का क्या संबंध है, तो हर एक चीज जो शुरू होती है यहीं से शुरू होती है। तो इसके लिए योग जैसा योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, ये आप हर एक चीज को ध्यान रखे, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डाइट और योगा, ये एक अभी नो मेडिसिन प्रैक्टिस करके यूएस में एक बहुत चीज आ रही है बड़ी, जिसमें पेशेंट को दवा लेने के लिए वैसे भी वो लोग कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी ड्रग तुरंत पेशेंट को शुरू नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते, वो पहले जितना भी पेशेंट को बाकी की चीजों से जितना मैनेज कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं। उसी तरीके से ये तो चीज अमेरिका वाले अभी कर रहे हैं और हमारे लोग उनको फॉलो करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि हम लोगों को ये सब बाकी चीजें हमारे शास्त्र में पहले से ही बताई है, आहार विहार और मानसिक जो व्यायाम है वो करे, बाकी की चीजों की जरूरत अपने आप कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल यहीं से शुरू होता है बॉडी के किसी भी लक्षण का किसी भी सिम्टम का। नेक्स्ट, व्हाट रस औषधि कैन बी यूज इन एक्सेसिव स्वेटिंग इन हस्ततल? उसको कोई औषधि नहीं है, प्रकृति स्वरूप है, अगर किसी की पित्त प्रकृति है मेद का प्रमाण ज्यादा है शरीर में तो ऐसे व्यक्तियों में हस्तपाद में यहाँ पे स्वेद प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ, थोड़ा नहीं एस्ट्रोलॉजिस्ट में हूँ, मेरा एस्ट्रोलॉजी में भी है, तो जिन लोगों का मंगल ये ग्रह पावरफुल रहते हैं उन लोगों में हस्तपाद को बहुत सारा पसीना आता है। अगर कल्प बताना भी है तो भी प्रवाह संबंधित कोई भी कल्प यहाँ पे यूज करते, मंगल ग्रह का प्रवाह ये एक इम्पोर्टेंट औषधि भी है और रत्न भी है। सर पेशेंट क्रूशिया है सर, स्थूल नहीं है सर, स्थूल नहीं है तो फिर उसके पहले राजयक्ष्मा जैसे सब बाकी के सिम्टम के बारे में पहला उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, पेशेंट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। पित्त शामक चिकित्सा जरूर करें जिसमें प्रवाल का कामदूदा जैसे ही किसी कल्प का हम यूज कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? गोरोचना दिवटी, पुनर्नवाष्टक वात, गोरोचना दिवटी, एक कुरु बीज करके एक द्रव्य आता है, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़े, कुरु बीज करके एक द्रव्य आता है उसके लिए कुटकी आमल की, जो मैंने यकृत का जो योग बताया उसके साथ में कुरु बीज करके मैंने उसमें ऐड किया है, और तो और भस्मों को यूज करने से कि गोरोचनादी वटी करके एक कल्प आता है, उस गोरोचनादी वटी और पुनर्नवाष्टक वात इन दोनों द्रव्यों का यहाँ पे यूज करना चाहिए। लेकिन उस कोलेलिथियासिस के जो स्टोन पेशेंट है उसका स्टोन की साइज कितनी है, अगर उस साइज अगर ज्यादा है गॉल ब्लैडर में तो लेजर से उसको ऑपरेट करे, क्योंकि हर एक चीज दवा से ट्रीट नहीं हो सकती, अतः धन्वंतरण अधिकार करके अगर 1 सेंटीमीटर से भी अगर उसका स्टोन ज्यादा साइज है, उसका 10 mm से भी ज्यादा साइज है तो बेटर टू गो फॉर लेजर सर्जरी।
छोटी मात्रा है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बड़ी मात्रा है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जिंदगी भर स्टोन रहता है कोलेलिथियासिस, लेकिन अगर जब कहीं सोनोग्राफी या किसी कारणवश कोई इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें मालूम पड़ता है अरे इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है, लेकिन इफ इट इज नॉट शोइंग एनी सिम्टम तो उसको ट्रीट करने के लिए जाना ही नहीं। लेकिन अगर पेन वगैरह ये करता है तो उसके लिए ये चिकित्सा जो है मेरे साथ सात अभी मेरे पास सात आठ पेशेंट को लेके शुरू है उसमें ट्रीटमेंट ये गोरोचनादेवटी आरोग्यवर्धिनी वटी और ये पुनर्नवाष्टकवाद। जी धन्यवाद सर, काइंडली गाइड अबाउट द सूक्ष्म त्रिफला। सूक्ष्म त्रिफला का उपयोग हम लोग आंख का नंबर मायोपिया के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको, उससे भी जाओ सूक्ष्म त्रिफलावटी यूज करने से अच्छा है हम लोग क्या करते हैं, एक सुरुवारी हरड़ा, दो बेहड़ा और चार आमलकी के फल को अच्छी तरह से उसका फाइन पाउडर करके ले, सूक्ष्म चूर्ण उसका बना के उसको मिक्स करे और उसको एक चम्मच गोघृत और आधा चम्मच हनी इसके साथ मिक्स करके दिया तो भी आग का नंबर कम करने के लिए उपयोग होता है। सूक्ष्म त्रिफलावटी आग के नंबर के लिए मायोपिया के लिए यूज किया जाता है या नेत्रस्त्राव अगर होता है तो उसके लिए भी यूज करता है किया जाता है। तो उसकी मात्रा जो है वो दो गुंजा सुबह दो गुंजा शाम इतनी मात्रा में देना चाहिए। अगर मायोपिया में उसको देना है तो आप जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया एक सुरवारी हरड़ा दो बेहड़ा और चार आमल की जो एक्चुअल त्रिफला का वर्णन अष्टांग शारंग इसमें किया है शारंगद संहिता में किया है उसके हिसाब से वो प्रमाण बनाए और एक चम्मच हनी एक चम्मच गोघृत और आधा चम्मच हनी इसके साथ उसको देना चाहिए सिर्फ रात को एक ही बार गए वो चूर्ण का पानी सिर्फ रात को एक ही बार रहेगा। जैसे अगर खुद बनाना सूक्ष्म त्रिफला तो इसमें जैसे कजली तो कितना जाएगा क्योंकि ये कहीं भी मेरे को क्लासिकल इसका कहीं रेफरेंस मिला नहीं बराबर सुनते आ रहे हैं तो इसमें कजली कितना दें सर आप अपने मैं आपको पहले ही बताई हूँ जो आपको मैंने पहले ही बताया कि 10% कजली यूज करो सॉरी कजली एक किलो के लिए हार्डली 3 ग्राम यूज करो और त्रिफला यूज करो गुड इनफ एक किलो त्रिफला 3 ग्राम कजली यस उससे ज्यादा जाने का नहीं सर ठीक है सर और इसमें कोई भावना भी देने का है या बस ऐसे नहीं 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 आपके आप खुद योग बनाते हैं तो त्रिफला के चूर्ण को त्रिफला के काढ़े की ही भावना दे कोई भी भावना देनी है तो 3 भावना तक अगर हम दे सकते हैं उसकी पोटेंसी बढ़ते है उसी द्रव्य को उसी द्रव्य के ये तो चरक करके कल्पस्थान में और सिद्धि स्थान में जो सिद्धांत बताए है उसी द्रव्य को उसी द्रव्य के काढ़े की भावना देना या मित्र द्रव्य के काढ़े की भावना ये कभी भी उस ड्रग की पोटेंसी बढ़ाने का काम करते है तो आप यूज कर सकते हो। त्रिफला चूर्ण को 3 बार त्रिफला क्वाथ की भावना की भावना देनी चाहिए 3 ग्राम कजली उसके बाद मिलाना है वो कजली का उपयोग यहाँ पे ये भी है कि उस कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करने का काम करते है। कजली का अगर आप पार्ट रसतरंगिणी या रसरत्न समूह में निकाल के देखेंगे तो वहां पे ये दिखा है निर्जंतुकीकरण ये उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो जो चूर्ण 2 महीने में खराब होता है वो आप कम से कम 1.5-2 साल तक वो टिकता है सर मतलब उसको और सब तैयार करके उसको ग्लास के जार में उसको बंद करके रखे भावना देने के बाद सूखने के बाद कजली मिला ऑफ कोर्स यस यस कभी भी चूर्ण में गीले इसमें डालना नहीं। और सर एक आपने ये 1 किलो हिंगवाष्टक चूर्ण में कितनी मात्रा कजली बताई 3 ग्राम इसमें भी हाँ 3 ग्राम 1 किलो के लिए एक वो ऐसा ना बोले 1 किलो 1000 ग्राम के लिए हार्डली 3 ग्राम गुड इनफ कोई भी चूर्ण निर्जंतुकीकरण अभी हर एक सिस्टम के हिसाब से मैंने आपको योग वाय द्रव्य बताया प्राणवसोतस के लिए शुद्ध हिंगुड़ बताया उदर विशिष्ट व्याधि के लिए जो आप योग बनाएंगे उसके लिए कजली बताया हार्ट रिलेटेड कोई भी फॉर्मुलेशन खुद का क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मैंने रसिन दुर्बाया बनाया बहुत सारे कंपनियों को जो फॉर्मुलेशन क्रिएट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग एडवाइस के लिए आते हैं उस समय ये सब चीजें बहुत उपयोगी होती है जो प्रोप्राइटरी ड्रग जो यूज करते हैं वो जो ड्रग फॉर्म करते हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार के उपयोग में लाए जाते हैं। थैंक यू सर धन्यवाद सर। आपका एस्ट्रोलॉजी पे कोई बुक है क्या? अभी उसमें मुझे पीएचडी करनी है पहली उसके बाद में मैं बुक लूंगा। एस्ट्रोलॉजी में खुद हर एक पेशेंट को जो पेशेंट आता है मेरे पास उसकी प्रश्न कुंडली हम लोग फॉर्म करते हैं। मेरे उसमें गुरु है मेरे ही मित्र वैद्य समीर महाजन सर और वैद्य कृष्ण कुमार पांडे सर
और बहुत सारे बाकी के, लेकिन इन दोनों से मैंने ये सीखा है। वैद्य समीर महाजन सर ये आयुर्वेद के बहुत अच्छे तज्ञ है, लेकिन उसके साथ में उनका एस्ट्रोलॉजी का स्टडी है। उन्होंने LSRD मतलब जिस समय प्रश्न पेशेंट पूछता है उस समय की प्रश्न कुंडली ड्रॉ की जाती है उस समय को लेके पंचांग को। अभी मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर भी है, तो वो डालने के बाद में जो उसका षष्ठ स्थान आता है, वो षष्ठ स्थान जो है व्याधि का रहता है, उसका उपचार जो रहता है उपनक्षत्र स्वामी के माध्यम से जाता है, उसका व्यय स्थान मतलब पंचम स्थान का उपनक्षत्र स्वामी की चिकित्सा उस पेशेंट को की जाती है। बेसिक सूत्र मैंने आपको बताया, अभी सौ पत्रिका उसके प्रश्न कुंडली की या कृष्णमूर्ति पद से आपको मैंने प्रेजेंट की, तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा मैं क्या ट्रीटमेंट देता हूँ। नक्षत्र जी 27 नक्षत्रों की, 27 नक्षत्रों की हम लोग वनस्पति यूज कर रहे हैं अभी, और उसमें और काम चालू है शुरू है, उसके लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा है, लिखा है, पढ़ा बहुत है लेकिन लिखा कुछ नहीं। डाटा चाहिए ना, हर एक चीज के लिए हमारे पास डाटा चाहिए। अभी मेरे पास क्लिनिक के मेरे खुद के 19,000 मेरे पास पेशेंट का मेरे पास डाटा है। अभी उतना एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग सब चीजों में उतना समय नहीं मिलता कि हर एक चीज का बारे में हम लोग PPT तैयार करके रहते। स्टूडेंट को जितना जरूरी होता है, बिकॉज आई एम द प्रोफेसर ऑफ रसशास्त्री एंड भैषज कल्पना, आई एम वर्किंग एज अ डेप्यूटी डीन ऑफ डॉक्टर जेडी पॉल फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज, तो बाकी सारे इतने काम उसमें काम में उलझे हुए, इसमें काम में हर एक चीज का इतना डाटा मेंटेन करना जरूरी होता है, लेकिन जहाँ पे हम लोग लेक्चर लेते हैं उसके लिए उससे संबंधित जितना है उतना हम लोग जरूर करके लेते हैं। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट बैठा है यतिरा जी कड़े, इसका भी मैं पहचान, जो कंप्यूटर रिलेटेड जितना भी मेरा काम है, मेरे यतिराज मेरे सेकेंड ईयर लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, होनार स्टूडेंट है, उसको मैंने साथ में लिया, ही कुड अटेंड द लेक्चर ऑल्सो। जैसे आपने गाड़गे सर ने जो गुरु शिष्य परंपरा शुरू की है, वैसे हम लोग भी यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चला रहे हैं। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पेशेंट के आंसर को किस तरीके से देना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, सबके बारे में हम लोग भी हमारे स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। प्रश्न समाप्त हुए। मैं वैद्यों से ये कहना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया सुंदर व्याख्यान परम आयुर्वेद के YouTube चैनल पे अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो जो प्रश्न अभी लिए नहीं है वो व्याख्यान में उसके जवाब सर ने PPT के साथ दिए हुए, काइंडली रेफर द लेक्चर, आप पुनः उस व्याख्यान को सुन सकते हैं और PPTs भी बढ़िया है, आप उसे अपने चिकित्सालय में उसका लाभ ले सकते हैं। आप मेरा उनको नंबर भी सब स्टूडेंट को देना जिन्होंने अटेंड किया है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9820274619 9820274619। अभी किसी ने पूछा पारद को एक्सपायरी होती है क्या, पारद को एक्सपायरी नहीं, लेकिन हम दवा में यूज करने के पहले उसको जरूर उसका शोधन करके ले, जो रस रत्न समुचे में उसका शोधन की जो चीज़ बताया है, रसेश्वरम सम सुधार जैसा मर्द तत्व दिवण वसरा तब गालित फलवे के नसेत रसोनो निश्चिल तदर्थम लवणम हरित, ये जो पाठ है उस पाठ के माध्यम से आप पारद का शोधन करके रखे और ग्लास की जार में उसको अच्छी तरह से भर के रखे। पारद उसको बुभुक्षित नहीं बोलेंगे, लेकिन पारद की शुद्धि, जो बुभुक्षित के लिए अष्ट संस्कार करना पड़ता है, हमको पारद को शुद्धि करके भी हम दवा में यूज कर सकते हैं। पारद द्रव स्वरूप में हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते, उसके लिए उसको बंधन देना पड़ता है गंधक का, शुद्ध गंधक का। शुद्ध पारद शिववीर्य समझा जाता है, शुद्ध गंधक को पार्वती रज समझा जाता है, और शुद्ध अवरक्त सत्व को पार्वती बीज समझा जाता है। अब पारद की जारणा पढ़ेंगे तो उसमें सब मालूम पड़ेगा, उसलिए आपको उस सब्जेक्ट में और डेप में जाना जरूरी है। किसी ने पूछा योग वायु द्रव्य मिलाने के बाद में वो चूर्ण कम से कम आप 2 साल तक यूज कर सकते हैं। सर उसका डोज कितना रखना है अगर चूर्ण में, जो रेगुलर चूर्ण का डोज है उसमें योग वायु द्रव्य मिक्स करने के बाद उसका 1/8 पार्ट तक उसका प्रमाण यूज करके, समझो अगर आप 1 ग्राम उस चूर्ण लेना है, 1 कर्श लेना है, या तो आपको 1 ग्राम चूर्ण देना है तो का उसमें रसौषधि मिक्स करने के बाद में उसकी मात्रा हार्डली 120 मिलीग्राम 125 मिलीग्राम हो जा सकती है। ओके चूर्ण आपने 1 किलो सॉरी 1000 ग्राम के लिए, 1000 ग्राम के लिए आप कम से कम
तीन ग्राम तक आप उसमें कज्जली ऐड कर सकते हैं ताकि वो प्रिजर्वेशन ठीक से हो जाए। उसका डोज फिर अभी आप कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो ना उसको, आप कैलकुलेट करो उसको। सर आरकेपी के हिसाब से जब कुंडली बनाई हमने मतलब हेल्थ को लेकर के, तो लग्नेश जो है लग्न में दो नंबर का लग्न एक्चुअल बना, वृषभ लग्न बन गया, वृषभ को लग्न बना, हाँ वृषभ लग्न की कुंडली बनी, हेल्थ को लेकर सवाल था। सिक्स्थ हाउस में केतु प्लेस्ड है अपनी, मतलब शुक्र चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो हर एक पत्रिका में जो मेन ग्रह रहते हैं वो एक गुरु है, शनि है, गुरु और शनि ये दो बहुत ही, मंगल ये तीन चार, जो रवि, रवि अपने को हित देता है, चंद्र जो है मानस की मन की स्थिति बताता है, शुक्र जो है हमारा स्ट्रेस कितना दूर करेगा, वो आदमी कितना जॉली है ये मालूम पड़ता है। गुरु इस ग्रह से उस पेशेंट का मेंटल स्टेटस एज वेल एज उसकी लाइफ की स्टेबिलिटी कितनी है वो मालूम पड़ती है। बाकी की चीजें के बारे में ज्यादा देखता नहीं हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पूछने के लिए है। मैं कोई क्या उसको बोलता हूँ, मैं आई एम अ हेल्थ एस्ट्रोलॉजिस्ट, मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ मैं। सर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हेल्थ इश्यू था हस्बैंड का, तो मैंने कुंडली बनाई क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूं। केतु, केतु जो है वो मंगल जैसे स्टार देता है, ऐसे पेशेंट को बर्निंग, एब्डोमेन का बर्निंग और दूसरी बात है कभी कभी लूज मोशन, इस प्रकार के उसमें लक्षण मिलते हैं, या तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है जो अमलाव स्तंभ अतिसार के पूर्व के लक्षण में आता है। उसमें चिकित्सा के लिए सिर्फ उसको देख के फायदे नहीं है, उसके पंचम स्थान का उप नक्षत्र स्वामी कौन सा है उसके देखे उससे हिसाब से उसको दवा देने की जरूरत पड़ेगी। आप मिले मुझे, आप मैं जरूर उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद सर, आपकी समय की उपलब्धि के अनुसार एक बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी आपका व्याख्यान जरूर रखेंगे। जरूर, मुझे उसके लिए आप पहले तीन चार महीने आप पहले बताए एक केस प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो उदाहरण स्वरूप में आपको बात करना जरूरी होता है। राइट, वही क्या होता है अपने को हमारे खुद के दो तीन स्टार मालूम है उतने हम लोग सामने रखते हैं और उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वो कितने कितने अंशात्मक है, उसके ऊपर बाकी के कौन से ग्रहों की दृष्टि है, जिस समय प्रश्न पूछा उस समय का स्टार अभी कौन सा शुरू है, ये सब देखना पड़ता है, कौन सा नक्षत्र शुरू है। आज हमारा लेक्चर हुआ अच्छा लगा नहीं मुझे, मालूम नहीं आपको, लेकिन गुरु पुष्यामृत योग आज जरूर है, योगी है ना, टुडे इज गुरु पुष्यामृत योग, कल सुबह तक है। अच्छा योग है सर, नो डाउट। तो धन्यवाद, आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और आपकी अनुमति से आज के पुष्प को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, पुनर्मिलामः, धन्यवाद उपस्थित।